हाँ यूपीएस यस बस आपको यूपीएस यूपीएस नहीं कुछ ऐसी यूएसपी यूएसपी सॉरी यूपीएस यार वो यार मैं नर्वस हो गया ना मैं उसको करेक्ट भी नहीं करी मैं बोल रही हूँ यूपीएस मैसेज अच्छी लगनी चाहिए हमारी खैर है Alright guys, welcome back to another Lights Out podcast. We have an amazing, amazing guest today. इनको basically बातों में कोई नहीं हरा सकता और आज मेरी podcast का काम बहुत easy हो जाएगा क्योंकि I am assuming कि ये सारी podcast मेरी hijack कर लेंगी और बातें करती जाएंगी. I am a huge fan of her TikToks, her creativity, her energy and she's amazing. I love her content and we have Rumaysa Khan. With us today. Hi. अब क्या बोलूं? अभी जब तक कैमरा बंद था मैं काफी बोल दिया था. नहीं नहीं अस्सलाम वालेकुम आप लोगों को. वो हमारे को-होस्ट हैं हसनैन उनका. हाँ मुझे ऐसा लगा मैं आई मैंने कहा लाइटें लेके शायद पीछे खड़े रहेंगे. आप पहले क्यों नहीं थे? नहीं आप पॉडकास्ट में नहीं देखा था आपने? मुस्तफा वाली में तो थे यार. वैसे अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब मैं अब बर्गर हो गई हूँ. बर्गर बच्चे बुलाते हैं अपने शो में. तो यही मैं तो इसलिए आई थी एक्चुअली क्योंकि मुझे लगा था कि आप मैंने देखा कि इतने नाइस बर्गर कूल बच्चे आ रहे हैं. मैंने कहा मैं भी शायद थोड़ी सी कूल हो जाऊंगी आपके शो में आके. मेरा पहला पॉडकास्ट है. अच्छा पता है? आप एक्चुअली अनकूल हो जाएंगी इस पॉडकास्ट. अनकूल हो जाऊंगी मैं वैसे ही अनकूल हूँ. मैं बहुत अनकूल हूँ क्योंकि हम भी बहुत अनकूल हैं. वैसे आपने इतना बोल दिया ऑलरेडी कि हाईजैक कर लेगी बातें कर लेगी. अब मैं मुझे समझ नहीं आ रहा क्या. कैमरा हमने आप लगा दिया है और हम सो जाते हैं बात. जो बोलूंगी अग्नि को साक्षी बोलूंगी. आपका पहला पॉडकास्ट बिल्कुल पहला है और बहुत डर लग रहा है मुझे. और इंटरव्यू इंटरव्यू दे चुकी हूँ. ऐसे कोई नहीं दिया यार. मैंने बहुत बड़े बड़े इंटरव्यू दिए. यासिर को इंटरव्यू दिया. निदा यासिर कर चुकी हूँ वहाँ. बस खत्म. जो निदय आसिर में आ गया बस अब उसको और कहाँ जाना. उन्होंने कुछ और डिफरेंट एक्टिविटीज कराई. कुल्फा खिलाया आपको कि कुछ इस तरह कंपटीशन. बस वही रह गया था. बाकी सब हो गया था. नहीं इट वाज नाइस. खैर अच्छा या निदय आसिर इज ऑसम. उनका शो आई थॉट कि लाइक थोड़ा वियर्ड होगा लेकिन अच्छा. आई मीन मैंने वैसे काफी लोगों को ऑफ कोर्स बोलते हैं मीम्स बनाते हैं लेकिन देखो एंजॉयमेंट है आप लोगों के लिए एक तरीके से. अच्छा मुझे लगता है आप में मीम्स इसलिए बनते हैं कि आपके जो इंटरेस्ट हैं वो काफी लाइक बॉयज टाइप है. लाइक गेम्स आपको पसंद है. एनिमे आप कह रही थी आपको बड़े पसंद है ना. वैसे मुझे काफी लोग टॉम बॉय कहते हैं. अभी भी मैं आ रही थी तो मेरी दोस्त मुझे ये कह रही थी तुम हो टॉम बॉय. बचपन में ना एक्चुअली मेरे दोस्त भी सारे लड़के होते थे और वो ब्रो वाला होता ना ब्रो वाला. तो मैं अभी अम्मी ने मेरे कह कह के मुझे लड़की बनवाया. मुझे कोई शौक नहीं था मेकअप करने का. मैं इवन स्टार्ट में जब टिकटॉक्स बनाती थी आई यूज्ड टू बी रियली लाइक वो फुल. मैं अभी भी लड़का बन जाती हूँ अपने YouTube वीडियोस में ना फुल मूछे दाढ़ी बना के. मुझे फर्क ही नहीं पड़ता मैं कैसी लग रही हूँ कैसी दिख रही हूँ. आई थिंक लाइक लड़कों को ये चीज़ बड़ी पसंद आती है. आई थिंक सो. क्यों जी लड़के हमारे साथ बैठे हैं. उनकी शादी हुई है. उनको पसंद आने की बात नहीं है ना. मैं पिक मी गर्ल साउंड नहीं करना चाहती. नो गाइस रियली लाइक दैट. मैं इसलिए नहीं कर रही बट वो मेरा ही ऐसी पर्सनालिटी है. आपकी जेन्युइनली ऐसी पर्सनालिटी है. और एनिमेज वगैरह भी आपको पसंद है. मैं बचपन से देख रही हूं. लाइक व्हेन आई वाज 5 इन 5 क्लास आई गेस. हां 5th स्टैंडर्ड में थी मैं तब मैंने पहला एनिमे देखा था. उसके बाद फिर मैं देखी चली जा रही हूँ. मैंने इन चक्करों में हॉलीवुड की कोई मूवी नहीं देखी. सर हमारे बोल रहे हैं बैटमैन. मैंने कहा हाँ देखिए देखिए. कहते उसके विलन का नाम कहता है पता नहीं जोकर क्या मतलब क्या कुछ बस इतना ही पता था. ज्यादा नहीं पता था. अच्छा तो स्टार आप टिकटॉक से बनी है कि यूट्यूब से? यार मैं झूठ नहीं बोलूंगी. टिकटॉक टिकटॉक इज द वे. कुछ भी कहो मुझे ऐसा लगता है कि पीपल जनरलाइज टिकटॉक अलॉट बट कुछ भी कहो उसने आपको एक प्लेटफॉर्म दिया है एक अपॉर्चुनिटी दी है. शायद अगर टिकटॉक नहीं होता तो मैं वैसे पहले से इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ. आई स्टिल रिमेंबर व्हेन आई वाज इन आई गेस मैं कितने व्हेन आई वाज इन 1 स्टैंडर्ड लाइक मैं 5 साल की होंगी. आई डिड माई फर्स्ट एड ठीक है डॉन ब्रेड का. और उसके बाद मैंने मेरी जो प्रिंसिपल थी ना स्कूल की उनके भाई का ना वो था मतलब एड इंडस्ट्री थी जो भी कहते हैं प्रोडक्शन हाउस था और वो काफ़ी फेमस अभी भी बोले एड्स बनाते. तो मैंने उनके साथ पहला काम किया ना. उसके बाद उनको मैं बड़ी अच्छी लगी क्योंकि मैं बचपन से ही ना काफ़ी एक्टिव थी. right. हाँ लाइक एक्टिंग में कॉमेडी में सबको हंसाना बचपन में सबको मिमिक करना किसी को देख लिया ऑब्जर्व करके करना शुरू कर दिया. तो फिर बस एक ऐड किया दो ऐड किया तीन ऐड किया. लेकिन आई स्वेयर टू गॉड मैंने इतनी ख्वारी पे ली है ना इतनी ख्वारी मैं क्योंकि मुझे शुरू से एक्टर बनने का शौक था लेकिन मुझे प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था. मतलब कितने टीवी सीज कर लूँगी एक्स्ट्रा मैं कितना काम करूँगी. मैंने एक्स्ट्रा एज एक्स्ट्रा भी काम
किया मैंने, पता है. और वो मतलब मुझे बुलाते थे, बैठी हुई हूँ बस पीछे से गुजर, एक सेकंड के लिए देखा है मैंने बस अपने आप को, हाँ वोरी वोरी मैं पीछे छोटी सी बैठी हुई और मैं खुश हूँ उसमें कि हाँ बस सही. लेकिन ऐसा क्यों है, पर्ची सिस्टम होता है यार? पर्ची सिस्टम तो अब नहीं है वैसे, मैं बात कहूँगी तो मैं यही इसी पॉइंट पर आ रही थी कि सोशल मीडिया से ये चीज़ एक बहुत अच्छी हो गई है कि अब अवाम जिसको पसंद देखना चाहती, जिसको पसंद करती, अब उसको लाया जा रहा है. जस्ट लाइक मैं, मुझे जो लोग पसंद करते हैं देखना चाहते हैं, तो अब इंडस्ट्री के लिए ये हो गया कि अब हमें इसको लेना पड़ेगा क्योंकि हमारी आवाम, बस चॉइस, अब हमें यही चाहिए क्योंकि हमारी आवाम ये इसको देखना चाहती है या किसी और को देखना चाहती है. लेकिन थैंक्स टू टिकटॉक, राइट? अगर टिकटॉक नहीं होता तो फिर क्या आप कह रही हैं? नहीं, बट लाइक फिर भी कुछ ना कुछ आप लाइक यूट्यूब पे शायद हिट हो जाती है. कि मैंने टिकटॉक पे ज़ाहिर लोग जनरलाइज करते हैं कि अच्छा इसको फिर एक्टिंग नहीं आती होगी, तो आई ट्राइड कि भाई उसको मतलब प्रूव करूँ कि मैं ऐसा नहीं है, मैं एक्टिंग भी कर सकती हूँ. तो फिर मैं यूट्यूब पे आई, फिर मैंने कैरेक्टर्स प्ले किए, फिर उसके बाद अब तो इंडस्ट्री में भी काम कर लिया, अभी फिर फिल्म भी कर ली है. तो अब तो आपने काफ़ी सारे एड शूट्स भी किए हैं, स्टार्स के साथ भी काम किया है. स्टार्स के साथ भी काम किया, मतलब काफ़ी अपॉर्चुनिटीज मिली मुझे और वो टिकटॉक की वजह से ही मिली, उसको मैं डिनाई नहीं कर. अच्छा, बाय द वे, लाइक मैं स्टार ऐसे लाइक लूजली यूज़ कर रहा हूँ, यू आर स्टार इन योर ओन राइट, राइट? बट लाइक जो ट्रेडिशनल सेलिब्रिटीज जो टी वी वगैरह पर जिन्होंने शुरू किया, कोई आपका ऐसा एक्सपीरियंस उनके साथ, कोई अजीब एक्सपीरियंस हो, किसी ने एटीट्यूड दिखाया हो या कोई और मैसा आई है? नाम तो नहीं लूँगी मैं, लेकिन हाँ ऐसा होता है व्हेन यू आर अ टिकटॉकर ना, तो एक वो टिकटॉकर का जो छाप पड़ गई है कि आप टिकटॉकर हो, क्यों है, गलत है, डाउन अपॉन यू, व्हाई? Because of the reason ना, कि they generalize, that's what I'm trying to say, कि बस सब ऐसे हैं तो ये भी ऐसी ही होगी. भाई आपने मेरी एक्टिंग नहीं देखी, भले वो काफ़ी लोगों को शायद अच्छी ना भी लगती हो, बट स्टिल अगर आप देखो, मतलब आप पहले देख तो लो कि मैं कर क्या रही हूँ, फिर उसके बाद भले फिर आपको मैं ना पसंद ना हो, फिर आप मुझे बोलो कि इसको एक्टिंग आती, फिर इट मेक सेंस. आपने मुझे ना एक्ट करते हुए देखा, ना आपने मेरा कोई काम देखा, और आपने पहले से सोच रहे कि वो टिकटॉकर ड्रामे में आ रही है हमारे वो फल्ला, इसके साथ तो मैं काम नहीं कर सकती, मेरा नाम खराब हो रहा है, नहीं वो ऐसा हुआ मेरे साथ. और वो बड़े एक्टर्स थे, बड़े स्टार्स थे जिन्होंने ये किया, और फिर कुछ नहीं हुआ, फिर काम तो अल्लाह ताला देता है, रोज़ी तो अल्लाह ताला की तरफ से होती है, तो हमने कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह. नाउ दे आर हैप्पी एंड दे आर फाइन, और वो मुझे दोबारा भी बुलाते काम के लिए कि भाई करो क्योंकि दे लाइक मी. Guys, I wanted to break away for a second and tell you about the amazing work that they're doing at Penny Appeal Canada. As you know, I've been working with them on their Feed Our World program, which is an amazing program. Aap logon ne ads wagera bhi dekhe honge uske. But it basically provides food to families in crisis-hit countries such as Pakistan, jahan malnutrition bahut zyada hai. So for only $65, they provide food packs to families that last them the whole month. बेसिकली राशन जो कि पूरा महीना वो चला सकते हैं एक फैमिली, बड़े डिलिशियस मील्स होते हैं जो कि वो खुद कुक कर सकते हैं फॉर ओनली $65. सो गो टू www.pennyappeal.ca और अपनी आप डोनेशंस वहाँ पे कर सकते हैं. आई पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल, प्लीज़ चेक इट आउट एंड यू गाइज कैन मेक अ बिग डिफरेंस. एंड नाउ बैक टू द पॉडकास्ट. और वैसे भी इन रियल लाइफ मेरी एनर्जी थोड़ी ज़्यादा ही है, हाँ, तो वो है ही ऐसी कि थोड़ी एनर्जेटिक, तो वो लोग बोलते हैं क्यों है? मतलब दैट्स माय पर्सनालिटी, अगर है भी तो इसमें इतना बुरा मानने वाली क्या बात है. मुझे बड़ा, मैं काफ़ी ऑफेंड भी हो जाती हूँ, काफ़ी लोग ना मतलब बचपन में यार मुझे लोग बड़ा पसंद करते हैं, वैसे मुझे अच्छा लगता है, मेरे जो दोस्त हैं वो मुझे बड़ा खुश होते हैं मुझे देख के, दे आर वेरी अमेजिंग लाइक जो भी इर्द गिर्द के लोग. लेकिन कुछ लोग होते हैं ना कि मतलब क्योंकि जस्ट बिकॉज आई एम अ पर्सन ही कि मैं बहुत एक्सप्रेसिव हूँ, आपकी भी तरफ देख लो, जी जी वो भी है वो देख रहे हैं मुझसे बात, आपने तो बाकी लाइट बल्ब एक्सप्रेसिव बन गई हूँ, और मैं जो भी फील करती हूँ मैं बोल देती हूँ, तो मैं कभी खुश भी होती हूँ बड़ी लाउड बोलती हूँ ये वो, तो कुछ लोग होते हैं ना कि यार हल्के बोलो यार ये वो, मतलब थोड़ा ऐसे करते मैं ऑफेंड हो जाती हूँ, बोलती हूँ यार I was just feeling myself, मतलब इसमें इतना बुरा मानना पड़ेगा. तो ये होता है मेरे साथ बहुत ज़्यादा, अब नहीं होता, अब तो काफ़ी मैंने वो होता है यार आपका एज होती है एक 16, 17, 18 वाली, इसमें आपकी एनर्जी आसमानों पे होती है. तो वो थी, वो अभी भी है काफ़ी, वो तो पर्सनैलिटी उसको मैं चेंज ही नहीं कर, एक चीज़ चेंज हो ही नहीं सकती. हाँ, और वो आपका पार्ट है, लाइक व्हाई वुड यू वांट टू चेंज. पता क्या, कुछ लोग होता है ना लाइक शूट पे ऐसे लगता है जैसे आपने स्टिंग पी हुई है बेसिक. हाँ, या रेड बुल पी यार, मैं स्ट्रेट टू गॉड, मतलब अगर कोई पार्टी हो रही है ना तो मैं ऐसे एंजॉय करती हूँ कि सबको ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या हाई चल रही है बच्ची फुल. आई स्ट्रेट टू गॉड, मतलब अगर जैसे कोई यूनिवर्सिटी कोई गेट टुगेदर ये वो, मैंने कहा वो सेलिब्रिटी वाली पार्टीज मैंने कभी अटेंड कभी नहीं की. आई एम नॉट इन टू दैट, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत वॉनबीज टाइप फील आती है, मुझे ऐसा लगता है आई डोंट बिलोंग है, मतलब ऐसी पार्टीज में जाके ना दिल अजीब सा होता है कि नहीं नहीं मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए, ये कुछ अच्छा नहीं हो रहा यहाँ पे, एक अंदर से वाली फील. मैंने भी सुना ही है, पता नहीं मैं कभी गया. हाँ, मैंने अपनी जो दोस्तों वाली
एलर्जी हो रही है पार्टी तो करवा दे हमने चिप्स रखे हुए खेलो और मतलब एंजॉय करो हंसो खेलो बोलो लूडो खेलती हम हाँ लूडो खेलती चेस चेस मैंने खेलने की कोशिश की मुझे आया नहीं मोनोपोली हाँ आई लव मोनोपोली द कार्ड्स वन आई रियली लाइक ताश में कौन सी गेम जबरदस्त ताश नहीं आता मुझे ओनो आता है मुझे अच्छा मोनोपोली आती है नहीं वो ये कार्ड वाली कौन सी गेम्स होती हैं रंग रंग होती है रंग होती है और एक दो और ऐसी नहीं खेली नहीं शौक है लाइट जाए कभी नहीं खेला ताश यार हम लोग तो वो खेलते थे बचपन में ना डार्क रूम अंधेरा करके बाहर एक बंदा हाँ। खड़ा होता हम वाले गेम्स पहलतूच मैं बड़ी बच्ची थी मैं बड़ी देसी बच्ची थी पता है मैं बाजी बाजी खेलती थी अच्छा खैर बाजी बाजी भी नहीं मैं तो लड़का ही थी मैं तो क्रिकेट भी खेलती थी अच्छी खेलती है क्रिकेट पता नहीं बचपन में तो अच्छी खेलती थी अच्छा अब नहीं खेलती अब तो नहीं खेलती okay. क्या खेलूंगी और रुमैसा खान वो उधर बल्ले से उसने वो बॉल मार दिया अजीब लगेगा ना यार फिलहाल समझा करो अच्छा आपकी बहन है एक मेरी दो बहनें और एक सबसे बड़ा भाई है अच्छा तो सबसे छोटी हूँ रेसलिंग होती है आपकी नहीं नहीं यार लड़ाई हम लोग का ना अलग किस्म का है हम लोग का जबान की रेसलिंग होती है वो अच्छा एक जुगत आएगी फिर दूसरी आएगी सारे कॉमेडियन है मेरे तो अगर आपके कॉमेडियन थे ना स्टैंड अप कॉमेडी करते थे असल में सच में ही वाज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने स्टैंड अप कॉमेडी शुरू की थी व्हाट्स हिज नेम तनवीर अख्तर खान वो उस जमाने पीटीवी के जमाने में बड़े पुराने वो ही वाज अच्छा बड़े फेमस थे उस टाइम पे उसके बाद फिर उनका बता रहे फिर वो राइटिंग में आ गए ज्यादा तो ज्यादा लोग नहीं जानते अब हमारी जनरेशन तो नहीं उनके यूट्यूब पे जाने यूट्यूब पे वीडियोस हैं कोई नहीं ऐसे नहीं एक दो अच्छा। है एक दफा नादिर अली जो है हमारे प्रैंक जी, जी, जी। उन्होंने मेरे पापा के साथ प्रैंक किया था अच्छा उस टाइम पे वो ना टीवी पे प्रैंक करते थे एक चैनल आता था तो मैं अभी भी करते हैं वो अभी तो भी करते हैं यूट्यूब पे करते हैं मेरे पापा की डेथ हो गई है 3 साल हो अच्छा नहीं नहीं मैं नादिर का कह रहा था कि वो सेलिब्रिटीज के साथ अभी भी प्रैंक करते हैं सेलिब्रिटीज के साथ करते हैं हां मैंने देखे उनके यूट्यूब चैनल पे उस टाइम पे चैनल पे टीवी चैनल पे करते थे वो टीवी पे कोई चैनल आता था उस पे तो पापा के साथ उन्होंने किया था तो मुझे नादिर अली ने बताया कहते यार आपके पापा को मैं जानता हूं मैंने कहा अच्छा यार नाइस अच्छा तो वो सब में आ गई जींस में तो हमारी मम्मा भी बड़ी फन है बड़ी फन लविंग सी हैं तो हम लोग के घर में ऐसे लग रहा होता है कि पता नहीं क्या कोई गेट टुगेदर चल रही है सब साथ अगर बैठ जाए तो बराबर नहीं बड़े से लोग आ जाते हैं कि भाई क्या दावत है तुम्हारे घर में सब हंसे जा रहे हैं पता नहीं बस माशाल्लाह माशाल्लाह आई एम वेरी लकी कि मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है दे आर वेरी नाइस तो अगर आपके किसी लाइक रैंडम एक नाइट पे घर पे जाएं तो कॉन्स्टेंटली बस बातें हो रही होती हैं यार आप आएंगे ना तो मेरी मम्मा तो आपसे बातें करनी शुरू कर देंगी वो आपको बताएंगी कि मैं कितनी बुरी हूँ कितनी बुरी बेटी अच्छा? हूँ और फिर मेरी एकदम से तारीफ भी करेंगी नहीं रुमैसा बहुत अच्छी है रुमैसा बहुत टैलेंटेड है रुमैसा ये है लेकिन बहुत रिस्पॉन्सिबल है किसी चीज़ का ख्याल नहीं रखती मतलब वो गॉसिप शुरू कर देंगी आपसे मेरी मम्मा भी ऐसी है मेरी बहनें भी बड़ी वो हर जगह ट्रैवल भी करती हैं आपके साथ मेरे साथ हर जगह अभी भी आई नहीं है मैनेजर हैं हाँ वो फुल मैनेज करती हैं वो रुमैसा ही कोई चीज़ वो सीरियसली बताऊँ मैं बड़ी रिस्पॉन्सिबल हूँ ऐसे अच्छा तो मुझे वैसे मम्मा का साथ थोड़ा चाहिए होता है कि मेरी चीज़ें संभाल के रखे भूल जाती हूँ और टाइम की पाबंद है आप आपको कुछ कहा है किसी ने मैं नट्स खा के बैठूं यार आपकी नट्स का निकल पाते हो ये बहुत यार एयरपोर्ट इधर है तो आप इधर से सीधा आ जाती ये हमारे ऊपर से गया जहाज यार पता है सुबह की फ्लाइट खैर मैं आ गई हूं ना बस हां 3 बजे आपकी लैंड हम चेक कर रहे थे साथ 3 बजे लैंड नहीं है हम तो पूरा ट्रैक कर रहे 4 बजे मैं पहुंची उसके बाद मैं होटल पहुंच के बंदा थोड़ा लेटता है कुछ खाता है कुछ लेटता है उफ कुछ खाएगा कुछ पिएगा फ्रेश होगा वरना इतना बोलने सही बात है वो कॉम्प्रोमाइज करेंगी ना अभी सारा अच्छा खाने में क्या खाती हैं आप यार मैं सब खा जाती हूँ अच्छा सच्ची बताऊँ मैं नहीं मेरी तो नखरी बिरयानी शिरयानी मतलब मुझे बिरयानी से ज्यादा पुलाव की बनती हूँ मैं पुलाव अच्छा। मुझे बहुत पसंद है और लाहौर का खाना बेहतर लगता है कराची का खाना का तो कोई कॉम्पिट आप आए ना कराची मैं तो बहुत दफा मेरा ज्यादा बचपन ही है कराची में मैंने शायद आपसे ज्यादा कराची देखो हाँ सीरियसली नहीं मैंने इतनी जगह कराची के अंदर शूट की हुई है पता नहीं कहाँ 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 तो इसलिए हाँ फिर हो सकता है आप एक बड़ा जबरदस्त सवाल पूछने जा रहे थे वो कुछ और सोच रहे होंगे बिरयानी पुलाव क्या खाऊं आज उन्होंने बता दी मैं काजू खा के बैठा हूँ ये इनकी एडवर्टाइजिंग एजेंसी है पैसे देते हैं लोगों एड्स बनाते हैं पैसे एक साइड से लेते हैं ऐड बनाते हैं फिर आपको आपको कब मैं अब आपका इंटरव्यू लेने लग जाऊंगी आपको कब लगा कि आपको सिंगिंग करनी चाहिए आप कब से कर रहे हैं वैसे मुझे हो गए 10 साल हो गए या
बचपन से मतलब नहीं करनी चाहिए थी, आप ऐसे पूछें जैसे आपने क्योंकि किसने आपको कहा कि सिंगिंग करनी चाहिए? यार वो ऐसे इंटरव्यू पूछते ना आपसे, किसने कहा था भाई मुझे कोई बोले मेरे दिल किया मैंने कहा। आपने सुना है मेरा कोई गाना? कौन सा? यार मैंने वैसे हम वेट करते हैं, कवर मैंने तो कभी कभी कवर किया यार जी, मैंने देखा इतना तो मैंने देखा था, आपने कवर्स किए बहुत सारे, वो तो टिकटॉक भी किए थे यार। आपका गाना तो बड़ा फेमस हुआ था टिकटॉक का साउंड, मैंने शायद वीडियो भी बनाई थी, मुझे ऐसा लगता है अंदर से फीलिंग आ रही है कि बनाई होगी। मैं ही था बिलाल सही तो नहीं था? बिलाल अच्छा एक्चुअली मैंने मम्मा को बोला, मैंने कहा बिलाल सिंगर है ना, सुन के थी बिलाल सही, नहीं नहीं खान हमारा वाला ये खान है। नहीं आपने बचाना नहीं सुना? मैं डूब रहा बचाना लगाओ यार आता होगा, नहीं सुना? पहले पहला इंसान है जिसको मैं आज मिल रहा हूँ जिसने मैं बचाना नहीं सुना होगा, आप मुझे गा के बताएं, मैं बताती हूँ। चलें जी फरमाइश आई। अब लाइव गाने पे आए तो ऑटो ट्यून लगा के तुम कवर नहीं, मैं गा रहा हूँ अब तो आदत सी है मुझको, नहीं सुना हुआ आपने? ये तो ऐसे यार बचाना है, बचाना है मैं डूब रहा। हाँ ये तो सुना है मैंने, ये आपने गाए? हाँ और बंद करो यार, इनको पता ही नहीं है यार कौन हूँ मैं। मैंने लिखा है पूरा गाना यार, म्यूजिक वीडियो देखा, कवर किया है सर। यार ये तो बहुत फेमस गाना है, आप इतने फेमस हैं। हाँ तो गाना मैंने लिखा था, इतनी लाइटें लगाई हैं ऐसी थोड़ी। हाँ डूब रहा हूँ बचाना, अरे यार सर बॉस सर आप तो बड़े, और भी बड़े गाने हैं। ओके गाइस आज तो काफी बेइज्जती हो गई हमारी, सॉरी मैंने गाना सुना ही, मुझे नहीं पता था आप, मुझे तो अभी कुछ देर से पहले पता चला गाना, तो थोड़ी देर मुझे बड़ा पसंद है, मुझे भी पता चला वो फ्रांस सईद ने गाया। अच्छा तो अच्छा गाना है वो, मुझे नहीं इस गाने, थोड़ी देर बॉलीवुड का गाना है और ठहर जा सोनिया वाला। हां है बाद में पता चला फ्रांस सईद। नुसरत फतेह अली का पता आपको? यार कैसे नहीं पता होगा, अरे नुसरत कान पकड़ के शायद कान पकड़ के बोले हैं उल्टा ना। आपकी आवाज कैसी है? बहुत बुरी अभी देखा नहीं आपने? नहीं कोई कभी गाना नहीं गाया यार, बाथरूम में कौन नहीं गाता, मैं झूठ क्यों बोलूं, गाते वैसे ट्राई नहीं की, लेकिन मुझे बोला काफ़ी लोगों ने गाने का, मैंने कहा यार पागल हो क्या, मेरा काम ही नहीं है। एक चीज़ आपको मुझे समझ में नहीं आता, मुझे बहुत बुरे लगते हैं वो लोग जिनको पता ही नहीं है कि उनको करना क्या है। नहीं हम एक्टिंग भी करेंगे, हम डायरेक्शन भी करेंगे, हम सिंगिंग भी करेंगे, हम ये भी करेंगे वो भी करेंगे, फिर वो कहीं के नहीं रहते। अब मैं एक क्या हुआ मैंने एक्टिंग भी की है, सिंगिंग भी, ब्लॉगिंग भी की है, मॉडलिंग भी की है, ड्रामा भी नहीं देखा आपने मेरा? आपने ड्रामा भी किया? यार मुझे नहीं पता। अच्छा ड्रामा मैंने बहुत कम देखे हैं, सॉरी। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात। ओके यार मुझे थोड़ी रिसर्च करके आ जाना, रिसर्च करके आनी आपको देना चाहिए। ड्रामा की जी कौन सा किया आप बताएं? यार आप बताएं मुझे क्या पता, थोड़ी देर बंद कर दो इनको विकिपीडिया पे नहीं चले, वो तो हो गया ना ड्रामा, दो किए बल्कि मैंने, सम्मी किया था, खामोशी किया था। किधर आए थे हम टीवी पे? आप तो सिर्फ ग्रीन टीवी पे कर दिए ना? आप तो मूवी सीधा ही, आपने ड्रामा किया ही, नाम का मूवी करें सीधा। यार मूवी वैसे आई एम वेरी हैप्पी अबाउट जान, जॉन लोकल पंजाबी में जान कहते हैं, जान पे जान, जान कहते हैं, जान रैम्बो नहीं कहते, रैम्बो रैम्बो जान। हां जॉन आ रही है, आज कब आएगी? इंशाल्लाह ईद के बाद सिनेमाज में। हां आते हमारी मास्टर्स को पसंद है, कोई रोने वाला का जलवा वो देखना पसंद है, नो थोड़ा झुमकी है नहीं, लेकिन इसमें कोई कमरे चिट्टी लड़कियां, बट मैं वो हूं ही नहीं। इसमें रोने वाले सीन थे? रोने वाले देखा है आपने? ट्रेलर देखा आपने? नहीं मैंने नहीं देखा। मैंने आपका ड्रामा नहीं देखा, आपने मेरा ट्रेलर देखा, साफ बराबर हो गया। अरे ट्रेलर क्यों नहीं देखा आप? ट्रेलर चलाएंगे ये देख ले, मैं साइन करवाते हम ये क्या भैया, आप ट्रेलर देखें, आप लोग जाके मेरी मूवी जो। हां गाइस इनका जॉन का ट्रेलर, ट्रेलर नहीं टीजर है, टीजर है नहीं, टीजर से ज्यादा मूवी भी देखे हैं, टीजर भी देखे हैं, ट्रेलर भी देखे हैं, गाने गाने भी होंगे ना इसमें? गाने इसमें कम है क्योंकि इट्स, मैं सच्ची बताऊं तो इट्स अ वेरी बहुत डिफरेंट रॉ टाइप बना है, आर्टिस्ट आर्ट फिल्म आर्टिस्टिक सी है लेकिन कमर्शियल भी है, लेकिन मैं सच्ची बताऊं तो मैं कहती हूं कि लोगों को ना अप्रिशिएट करना चाहिए बिकॉज इतने अरसे बाद कोई ऐसी मूवी आ रही है जो कि यू नो इट्स वेरी रॉ आर्ट सी और बिल्कुल एक न्यू फेसेस के साथ से। मुझे तो पता ही नहीं था कि आशिर इस मूवी में,
मुझे तो ये नहीं पता था कि रजा सम्मू इस मूवी में, मुझे नहीं पता था, बस सीन ये था कि मैं बड़ी अजीब मजे की कहानी बताती हूँ, तो रजा ने मुझे बताया था कि वो एक मूवी कर रहा है। रजा का कैरेक्टर भी बड़ा जबरदस्त है इस मूवी में। वैसे रजा का ये आज बात कर रहे थे, आज ही मैं जिक्र कर रहा था, वेरी टैलेंटेड गाय। खैर तो मुझे बैठ के ना, हम लोग पहली बार मिले थे रजा में, हम लोग बात करें तो मुझे बोलता है मूवी करना है, मूवी कर रहा है, मूवी कर रहा हूँ मैं, इतनी कोई फिल्म कोई नेक्स्ट लेवल आ रही है, मतलब नेटफ्लिक्स लेवल की, यू नो। उस वक्त तुमने नहीं थी उसमें ना, मैंने कहा अच्छा अच्छा, कहते हैं फाइनली पाकिस्तान एक अच्छी चीज बना के ला रहा है, मैं फुल कैरेक्टर में घुस गया। वो तो फुल कैरेक्टर में ही घुस गया था, वो बाहर ही नहीं आ रहा था, वो अंदर घुस गया, वो बड़ा परेशान हो गया था जैसे। खैर तो मैंने बोला अच्छा हाँ ठीक है, कहता तुम ऐसा देखना, हम दोनों एक दिन ज़रूर साथ काम करेंगे, और ना तुम देखना हम लोग करेंगे, छोड़ दो ड्रामे ड्रामे, फिल्म करनी चाहिए हम लोग। मैंने सुनने, मैंने कहा अच्छा रजा खुदा का वादा, ठीक है सही कह रहे हो तुम। थोड़े से बाद पता चला मैं तो प्रोटैगनिस्ट निकली। मैंने रजा को बोल के, मैंने कहा हाँ भाई चलो हीरोइन हूँ मैं। सच्ची बताऊँ आशिर बहुत अच्छा एक्टर है, आशिर एक बहुत अच्छा इंसान भी है, मैं सच्ची बताऊँ तो, मतलब ही इज़ अ वेरी गुड ह्यूमन बींग। उसके मम्मी अबू ने उसकी बहुत अच्छी तरबियत की है, अच्छा बहुत अच्छी, वो बच्चा बड़ा अच्छा है। मतलब मैं बस सच्ची बताऊँ, मैं इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ, पता है लोग ना आपको बहुत लुक डाउन करते हैं, मुझे तो बड़ा लुक डाउन करते हैं, शायद मैं कूल नहीं लगती, मैं थोड़ी बस आपने ये पॉडकास्ट कर ली तो अब तो यार नहीं, मैं, हाँ एग्जैक्टली मैं बताऊँ सिल्वर स्पून बच्ची नहीं हूँ मैं, हाँ दैट्स व्हाट आई रियली लाइक। या मैं फुल अपनी यार जो भी है मैं ऐसी ही हूँ, ठीक है। अब होता ही है कि वो होता है ना वनाबीज बर्गर सारे मनुस कसम से यार मैं ऐड करने जा रही हूँ, उस टाइम में मैं फेमस नहीं थी, ऐसे एटीट्यूड दिखाते थे ना कि मतलब इससे तो बात नहीं करनी, जैसे मतलब उन्होंने कसम उठा ली है कि इस लड़की से बात नहीं करेंगे लोग, तो मुझे ऐसे मुझे बहुत लेफ्ट अलोन फील कराते थे कि पता नहीं मैंने क्या कर दिया यार मुझे, अब सारे बात करते हैं, मैंने कहा अब आओ तुम लोग। तो अब आप उनको एटीट्यूड नहीं दिखाते? नहीं यार मेरी नेचर में नहीं है। अवार्ड जीत के आई है यार, अवार्ड जीत के आई है, कौन सा? पीसा पाकिस्तान इंटरनेशनल। अच्छा कब? बेस्ट एंटरटेनर। अच्छा ये जो अभी आप दुबई गई थी, अगस्त में आई थिंक हुआ था, इंस्टाग्राम कंटेंट क्रिएटर, नहीं नहीं बेस्ट इंस्टाग्राम, अच्छा नहीं बेस्ट इंस्टाग्राम कंटेंट क्रिएटर, बेस्ट इंस्टाग्राम अगेंस्ट हु और कौन थे? बलियन अजी दाना, अच्छा एंड स्वाइनरी एंड युकानो। अच्छा तो आपसे पता नहीं किसी ने पूछा अभी तक कि आप सिंगल हैं, आपका रिलेशनशिप सिंगल है? लगती नहीं आपको सिंगल? नहीं लग नहीं, देखिए मेरी तो जिंदगी में तक कोई लड़का ही नहीं बचा। अच्छा कोरियन ढूंढ के लाऊंगी अपने, कोई नहीं लगाएंगे। कोरियन पसंद है आपको लड़का? नहीं नहीं ऐसे पसंद नहीं यार, एक्चुअली मैं बताती हूँ, हम लोग ना के ड्रामा देखते हैं, तो वो ना इसमें ना सारे वो ऐसे कोई आप बहुत रोमांटिक क्रिएट कर देते ना कि आपको दिल जाता है यार यही चाहिए, वो टू नाइस, वो टू नाइस, वो होता तो सच्चाई तो वो है नहीं। नहीं वैसे ऐसी बात नहीं है, पाकिस्तानी लड़के ही पसंद, पाकिस्तानी लड़के भी अच्छे होते हैं, सब अच्छे होते हैं। देखो इट्स नॉट अबाउट के लड़के लड़की, मुझे लगता है इंसान अच्छा बुरा होना चाहिए, बस वो होता है। तो चलें गाइस आपके लिए क्लियर कर दिया, सिंगल हैं और रिश्ता भिजवाना चाहते हैं तो मेरी उम्र है 21, कॉल कीजिए 0900। अगर कोई कोई आपका स्पेशल ईमेल एड्रेस जिस पे सिर्फ रिश्ते भेज सके? नहीं नहीं मैं मजाक कर रहा हूं, कोई रिश्ता नहीं करवाना मैं आपके। अच्छा और आपने म्यूजिक वीडियो भी किया था राहत फतेह अली? हां राहत फतेह अली खान के साथ, इनके वो कैसा रहा एक्सपीरियंस? यार वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, वो इस्लामाबाद में हमने शूट किया था। अच्छा तो वो तो आपके साथ कौन था इसमें? अली भट्ट था। अच्छा एक है सियाल, सियालकोट यानी कहां का मतलब सियाल पता नहीं मुझे याद नहीं आ रहा, छोड़ो मैं सॉरी अली कहीं के हैं वो जो भी हैं, तो वो हाँ वो था और मैं थी एग्जैक्टली, और अली भी मेरे भाइयों जैसा, मतलब वहाँ भी लोगों ने शिफ्ट कर दिया, पता नहीं जिस लड़के के साथ देखते हैं मुझे शिफ्ट करना शुरू कर, वो तो है मैं, वो तो मैं बताऊँ आई स्वेयर टू गॉड मैं उसके साथ सीन करी थी, मतलब ना उन्होंने बोला हाथ में हाथ डाल के ना फुल ये वो, तो मैं उसको ये देख रही हूँ मैं ऑकवर्ड हो रही हूँ ना, तो कह रहा है और मैं ऐसा पहली बार किसी के सामने ब्लश करी, मैंने कहा अभी वो तो भाई जैसी फीलिंग आ रही है मुझे, ब्लश नहीं कर रही हूँ मैं, तो खैर इज ऑल्सो वेरी नाइस, तो हम लोग का काफ़ी अच्छा निकला था वो, और उसका रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा आया था, और वो म्यूजिक वीडियो भी बड़ी मज़ेदार थी। एक ही किया आपने? एक वो किसके साथ की थी? मैं सोचती हूँ मैं बस हो गई वो बताएं बताएं यार बहुत अच्छी है, हिट सबसे हिट ही वही हुई थी, आपने वो नहीं देखी? क्यों जितनी लगे पास उतनी ही क्यों, यार आशिर के साथ की थी मैंने। अच्छा वो आशिर का गाना था? आशिर का गाना। अच्छा आशिर के साथ इसी की थी, आशिर के साथ। अब आपका आशिर के साथ तो नहीं बनाएंगे वो लोग? नहीं 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 वो तो बच्चे फिल्म भी है, दोस्त है वो भी, ब्रो है सब, ब्रो सब ब्रो है, पहली ब्रो जो कर दो देखो जिससे कहीं हो कुछ होना नहीं उसको ब्रो कर दो, ठीक है ताकि कोई कुछ। अच्छा नहीं वैसे आशिर का सीन ये होता है कि आशिर और मैंने मूवी हमने ये 2011 में शूट की थी, और आपको मैं सच्ची बात बताऊँ उस टाइम मैं 63 kgs थी, और फिर अभी 2-3 दिन पहले हमने शूट किया है आई एम 54 नाउ, 10 kg मूवी में ऐसा फर्क आया है ना? अच्छा नहीं आया लेकिन
क्या उस वक्त आप खाना ज्यादा खा रही हैं? यार लॉकडाउन खत्म हुआ था ना उसके अच्छा, बाद अच्छा। बस वो लॉकडाउन में मैंने वेट अच्छा। बड़ा गेन कर दिया था, तो मैंने बड़े ताने सुने फिर जब मैं इंडस्ट्री में आई ना, मोटी खाना कमती हो जाओ अच्छा? पतली हो जाओ, यार वो होती है ना लोगों की डिमांड होती है कि पतली हो जाओ पतली हो जाओ। मैंने इस वजह से नहीं किया, वो खुद ही हो गया मुझे, कोविड हो गया था मुझे, फिर मैं खुद ही दुखी। अच्छा कोविड हो गया था, काफी पहले हुआ था क्या? अभी काफी पहले भी हुआ था, मैं दो बार हो चुका हूं, हो सकता है मुझे अभी भी। वैसे टेस्ट नहीं करवाया मैंने, मजाक मैं नेचर अच्छा अच्छा। और वो बूस्टर शॉट नहीं लगवाया? नहीं अभी वो नहीं लगवाया अच्छा, अभी यहीं से जाकर, अब तो कूल हो गई हूं ना, अब यहीं से जाकर उससे पहले काम में यही करवाया। तो मैं बता रही थी आपको आशीष का, तो हमने ना वो हमने मूवी शूट की थी 2011 के स्टार्ट में, तो तब की बात है, तो हमने मूवी में इतना हमारा गेट हो, तो वो मुझे वैसे ही सुना रहा था, कहता है ये देखो मैंने न्यू गाना बनाई ये वो। मैंने कहा यार आशीष नाइस यार वेरी नाइस ना, तो कहता है कि बस यार मैं करूँगा शूट। मैंने कहा नहीं नहीं मुझे लो मुझे लो, हमारी दोस्ती हुई थी, मैंने कहा मुझे लो मुझे लो, कहता चलो कर लो, तो हमने वो मजाक बस वो कर लिया। तो वो ऐसा नहीं था कि मतलब कि ओ कि मतलब वो फुल कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहे हैं कि भाई मूवी वो गाना करने जा रही हूँ मैं, ये वो बड़ा फ्रेंडली सा ही प्रोजेक्ट कर दिया था हमने, तो वैसे बड़ा उसको इन्जॉय किया। क्यों उसमें क्या आप यार लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया, वो मीमर्स पीछे पड़ गए यार, वो बेचारे आशिक को सब बड़ा तंग करते हैं, मुझे बड़ा बुरा लगता है। अच्छा वो इज अ वेरी टैलेंटेड गाय, वो गाता भी अच्छा है वैसे। और कोई इनसाइड स्टोरी हमें बताएं, कोई टिकटॉकर्स की या कुछ कुछ ऐसा जो किसी को पता ना हो अभी तक? यार ऐसी तो बहुत सारी स्टोरी कोई बताए ना, कोई जो ऐसी जो बता सके, ऐसी है तो बता भी नहीं सके, नहीं कोई ऐसी जो बता सके यार कैसी बताऊं मैं, कि कोई दुबई गए हो उसने ये किया हो या उसने कुछ ऐसा किया हो या वो असल में ऐसा है या वो। मैं आप पूछे मैं बताती हूँ कौन कैसा है, मैं तो डरती भी नहीं हूँ, बता दूंगी मैं सबका जिसका पूछेंगे। जन्नत मिर्जा के साथ आपने हैंग आउट किया? यार जन्नत मिर्जा से मैं आज तक नहीं मिली अच्छा। ठीक है, उससे मैं आज तक नहीं मिली और ना ही मेरी उससे कोई ज्यादा बात हुई है कभी, तो आई डोंट नो हाउ इज शी लाइक, तो मैं इसको जज भी नहीं कर सकती सिर्फ देख के कि ओ ये तो एटीट्यूड वाली है, नहीं बात करूंगी तो पता चलेगी। तो मुझे बड़ा बुरा गुस्सा आता है ऐसे लोगों में कि आपकी बात नहीं हुई किसी से और आपने पहले ही सोच लिया है कि ये बंदा एटीट्यूड वाला है और ये आपसे, तो मेरी कभी ज़्यादा बात नहीं, अलबत्त उसकी बहन से मेरी बात हुई, वेरी स्वीट, हाँ वो बड़ी अच्छी है, उसे तो मैं तकरीबन 2017 से जानती हूँ। अच्छा और नदीम नानी वाला? नो कॉमेंट्स, नो कॉमेंट्स। इस पर तो आपका कोई क्लिप भी था ना? मैं कुछ बोलूंगी नहीं, बस मैं बोले यार को हमने कितने चार कैमरे लगाए, मुझे उससे डर वर लगता है थोड़ा, क्यों कहीं भी पहुंच जाता है वो, कहीं भी पहुंच जाता है, मैं ज्यादा उसके बाद बहुत अच्छा है नानी, यू आर द अमेजिंग, आई लव योर नानी, यू आर अमेजिंग। जुल्कर नैन जो है बस ठीक है इतना, नहीं नहीं मैं बताती हूं जुल्कर नैन के साथ मैंने काम किया, बट टू बी ऑनेस्ट लाइक जुल्कर नैन से मेरी ज्यादा मतलब इतनी बनी नहीं, नहीं हम लोग की इतनी नहीं बनती थी। एक ड्रामा तो किया ना आप लोगों ने, ड्रामा किया था साथ? हाँ हम लोग साथ में कपल थे, सोचो उसको भी ब्रो बनाया था हमने, नहीं उससे तो मेरी बात मतलब तो है अच्छा। बात ही नहीं हुई ना मतलब अच्छा। ज्यादा कोई बस वो उससे ज्यादा, और उनकी वाइफ कवल, हाँ शी इज आल्सो रियली स्वीट, पर उससे भी ज्यादा बात नहीं हुई, वो लोग दोनों थोड़ा अपने अपने में ही रहते हैं। अच्छा और एक अली हैदराबादी, हाँ कभी नहीं देखा मैंने उसको आज तक, पता नहीं कहीं दिखे तो मैं बोला रिकॉर्ड नहीं, उससे भी मैं आज तक नहीं मिली यार, ये कौन कौन से नाम है कोई अच्छे नाम लो जिनसे मिली। और कौन है यार कोई फेमस टिकटॉकर? मौलवी साहब का नाम नहीं मुझे यार, वो बड़ा स्वीट बंदा है, उस्मान मेहर, उस्मान यस, बहुत अच्छे हैं, ही इज वेरी नाइस गाय, वो बड़े फ्रेंडली से थे मेरे साथ, तो अच्छे। जुगी जट से मिली? क्या जुगी जट कौन है? ऑफ जुगी जट इतने फेमस है टिकटॉक पे? अच्छा जुगी जट को मैं नहीं जानती बिल्कुल भी, अच्छा सॉरी जुगी जट, आई विल वॉच योर वीडियोस। फिर एक फूलन भी है कि क्या? फूलो 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 से मैं कभी नहीं मिली यार, तुम लोग क्या अजीब, मैं किसी से इनसे इनमें से तो किसी से नहीं मिली। अच्छा किनसे आप, फिर आप बताएं किनसे मिली? मैं अरिका से मिली हूं, सहरा याद से मिली हूं, अली भट्ट से मिली हूं, उमर भट्ट से मिली हूं, और अली उमर भट्ट वो है ना, लाइबा बेबी, रिजा जिलानी, जन्नत के साथ, हां जन्नत के साथ होते हैं, हां जन्नत वाला उमर भट्ट, हां उससे भी मेरे बड़े फड्डे हुए हैं। अच्छा अली और उमर से हमें बड़े फड्डे हुए बिला वजह, फिर दोस्ती भी हो जाती है। अच्छा हम लोग का ऐसे ही सीन है। अच्छा वैसे पता है हमारे कराची वालों को लोग बड़ा स्टार्ट में कहते होते थे कि तुम लोग मिलते नहीं हो, तुम लोग तो क्या, तुम लोग में जेलेसी है, बट आपस की बात, हम लोग में सबसे ज्यादा प्यार है, वो हमें टाइम नहीं मिलता, कराची वाले थोड़ा अपने अपने में ही रहते हैं, लेकिन जब भी मिलते बड़े दिल और खुशी से मिलते, लेकिन लाहौर वालों में मैंने ज्यादा देखा है ये लोग बड़े फड्डे करते हैं आपस। अच्छा हाँ मुझे तो बड़ी इनसाइड स्टोरी सुनने में आती है, किसका इससे हो गया, इसका इससे कोई बताए ना, इसका कोई फड्डा सो आपने सुना, किसी और की सुना हो के, करण जौहर नहीं बने हो ठीक है, फंसा रहे हो मुझे यार, हम चाह रहे हैं कि थोड़ा सा यार। आपका फेवरेट टिकटॉकर कौन है? मेरा रुमैसा खान, ये अभी सोच के बोला, मैंने भी 500 रुपए दिए थे इनको पीछे, मैंने बोला था यही जवाब देना, मैं आपसे 500 में डील हुई थी, आई थॉट 300, चलो $200
थोड़े सस्ते में मांग गए, गलती हो गई, 500। मेरा और फेवरेट टिकटॉकर्स हैं, आपको लगता है ना जेन्युइनली टैलेंटेड है यार ये बंदा, सब ही अच्छे हैं यार, मुझे सबका कंटेंट। ये देखो ये होते हैं डिप्लोमेसी, ये होती है कि आप जो है ना खेल जाओ और मुझसे सब निकलवा लिया आपने, मुझे भी सब अच्छे लगते हैं। सवाय सिवाय ऐसा कोई भी नहीं है जो मुझे ना पसंद हो। वैसे पता है हेट वर्ड बड़ा बड़ा बड़ी बड़ा वर्ड होता है जो लोग कहते हैं ना हेट, क्या हो गया। अच्छा चलिए ये बताएं कि अपना एक्ट्रेसेस में आपको कौन सबसे पसंद। यार एक्ट्रेसेस में आई लव यमुना जैदी, आई लव सबा कमर एंड सजल अली, दीज थ्री आर लाइक माई लव, लाइक दे आर एन अमेजिंग एक्ट्रेसेस लाइक नो डाउट। और लड़कों में आई लाइक बिलाल अब्बास, अच्छा सो क्यूट। वो ब्रो जोन में नहीं है वो, उसने मैसेज मुझे नहीं लगाना, मैं उसको ब्रो बनाओ ना बनाओ उसने बोलना कौन निकलो यहाँ से। अच्छा तो ही इज़ वेरी नाइस, आई लाइक इमरान अशरफ, ही इज़ अ वेरी गुड एक्टर। और कौन है, हुमायूं सईद, यार वो अब बड़े हो गए हैं, एक्टर तो है ना, हमें वो अपने एज वाले में, मुझे वो बहुत पसंद है, अहमद अली, अहमद अली सिंगर जो रैपर, परिजाद वाला अहमद अली, अच्छा 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 क्यूट। राइट क्रिकेटर में कौन पसंद, आपको शादाब, आप मिलिए कभी शादाब से, काश मिली होती, अभी तक नहीं मिली, मैंने एक दफा देखा दूर से पिच में, यही यार नहीं देखा, नहीं मैं बता रही हूँ, मैं टीवी भी देख रही थी, किसी ने किसी क्रिकेटर से पूछा हुआ था आप इसको जानते हो, मैं मेरी पिक्चर दिखा के ना कहते हैं कौन क्रिकेटर था, वो कहते हैं हाँ वो जानता था, मैं भूल गई हूँ किससे पूछा था, शाहीन पीएसएल में किसी से पूछा था, नहीं नहीं वो बॉलर कौन है, बड़ी जबरदस्त बॉलर है वो, शाहीन भी जबरदस्त, वो भी जबरदस्त वो तो है ही अच्छे उन पे। और फिल्में देखती हैं आप बॉलीवुड की, हाँ देखती हूँ बहुत सारी देखती हूँ, उसमें कौन एक्टर पसंद है बॉलीवुड में, मुझे रणबीर कपूर, रणवीर सिंह, अमिताभ बच्चन, मुझे विकी कौशल बहुत पसंद है, और वो बचपन में आयुष्मान खुराना The best. अरे आप थोड़े थोड़े लगते हो जैसे, पता अच्छा है? आपने इसलिए बोला ना ये, वरना मैंने क्यों बोला ना आयुष्मान, आयुष्मान मैं शायद जी, अच्छा तो आयुष्मान आपको पसंद, आपके वो देखे वो होस्ट नहीं थे ये तो बैठे हुए चुप ही हैं, मैं तो मैं ऑब्जर्व यार, अच्छा बाल भी फेंकू, नहीं नहीं ये वैसे गुगली फेंकते हैं वो पूछे यार कोई सवाल, यार वो मैसा खान, मैं बताना चाहती हूँ लोगों में, समझदार भी बढ़ी हूँ, कोई प्रोडक्टिव बात भी करनी चाहिए, इंटेलेक्चुअल बातें करें ना, नहीं नहीं जीके वीके ना पूछ लेगा मुझसे, मतलब कोई प्रोडक्टिव इंटेलेक्चुअल बातें हो कुछ, अच्छा मुझे बड़ा मजा आता है, मेरी बातों से लोगों को लगता है कि मैं बड़ी फजूल बातें करती हूँ वैसे, लेकिन अगर मेरे साथ आप बैठे तो मुझे बड़ा मजा आता है, कोई फिलोसफिकल और मुझे, वैसे मैं हूँ भी थोड़ी सेपियो सेक्सुअल टाइप, वो क्या होता है, इट्स लाइक यू लाइक इंटेलिजेंस, लाइक इंटेलिजेंस आपको अट्रैक्ट करती है, अच्छा तो इंटेलिजेंट लोग बड़े पसंद होते हैं, आते हैं। पाकिस्तान की इकॉनमी को कैसे फिक्स किया जा सकता है, यार इतने मैं थोड़ी इंटेलिजेंट हूँ, मुझे इंटेलिजेंट लोग पसंद है, कोई बता दे तो मैं देखूंगी क्या। पॉलिटिक्स में शौक है आपको, लाइक नहीं बिल्कुल भी नहीं, अच्छा पहली पूछे हमसे, पूछ ले यार अब बैठे हैं, वही वाली पूछे जो बहुत सबसे मुश्किल, ये अगर आपने आंसर कर दिया मान जाऊंगा, एक बंदा लटका हुआ ऊपर दरख्त से उल्टा टांग से, उसको रस्सी पे बांधा हुआ है और लटका हुआ है, और रस्सी का जो एंड है वो नीचे ज़मीन पे लगाया हुआ है, रस्सी के नीचे एक मोमबत्ती है जो रस्सी को जला रही है, रस्सी अगर टूटी तो वो नीचे बंदा गिरेगा और नीचे शेर फिर रहा है, तो अगर वो रस्सी टूटी और नीचे वो गिरा तो शेर खा जाएगा उसको, और वो जल रही है मोमबत्ती, लेकिन वो उल्टा लटका हुआ है काफ़ी दूर उधर से, तो उसने सिचुएशन में से बच के निकलना कैसे बचे, इस सिचुएशन में से बंदे ने मोमबत्ती है रस्सी से बंदा लटका हुआ है उल्टा पैर उल्टा और रस्सी नीचे जमीन पे है, उसे मोमबत्ती उसको और नीचे शेर है, नीचे शेर पे रहा, यही तो फोन अ फ्रेंड करना चाहेंगे, लाइफलाइन भी आपके पास, हां फोन एक वो बैठी है लाइफ, आपकी बर्थडे कब होती है, मेरी बर्थडे आपको वैसे क्या लगता है मेरा क्या स्टार होगा, वो नहीं मैंने मुस्तफा को देखते हुए बोला था कि वो होता है, मैं क्यूरियस हूं ना मुझे मी टाइम चाहिए होता है, लिब्रा है लिब्रा लगती हूं मैं, कहां से लिब्रा लगती मैं लिब्रा हूं, वर्गो मैं वर्गो लगती हूं, वर्गो आर वेरी गर्ली पाइसेस नहीं कुछ वाइल्ड स्कॉर्पियो टॉरस टॉरस वाइल्ड यू मैं नहीं तो लियो 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 स्कॉर्पियो क्लोज टू लियो बट आई एम सजिटेरियस सजिटेरियस दिसंबर 4 दिसंबर ओह नहीं पता चलता इतना ऑब्वियस है
कि मैं सजेटेरियस हूँ, लाइक फ्रीडम लविंग, ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, बहुत बोलती हूँ, और कंट्रोल करे कोई तो पसंद नहीं आता मुझे, कोई ऑर्डर से मेरी हट जाती है. अच्छा. हाँ मतलब कोई बोलते ना, मैं मुझे लगता है मैं जॉब ही नहीं कर. अच्छा मैं तुम लोग को बड़ी मजे की बात बताती हूँ. एक दफा मुझे फायर कर दिया था. कहाँ से? जॉब से. तो कहाँ पे काम करती थी? यार मैंने ना टीचिंग की भी. अच्छा. यार मुझे ना आईफोन चाहिए था. तो टीचिंग यार लेकिन खुद मेहनत करके की. हाँ, बड़ी अच्छी बात है. देखो पहले मैंने बच्चों का मुस्तकबिल बर्बाद किया. अच्छा तो बताती हूँ. तो सीन ये था कि मैं वीडियोस बनाती थी, तो मैं म्यूजिकली बनाती थी. उस टाइम भी म्यूजिकली हुआ करता था. अच्छा तब से लगी हो? मैं बड़ी बचपन से बनाती हूँ. मैं डब स्मैश के टाइम से. तो मैं आई वाज 16 17 ना, तो मुझे चाहिए था आईफोन 6, आईफोन 5S चाहिए था. मुझे बड़ा क्यूट लगता था छोटा सा. तो ना अब वो था तकरीबन 20,000 25,000 का. लेकिन फिर मैंने सोचा मैं 6 ले लूँगी. लेकिन मैं जॉब पैसे चाहिए क्या करें. अब हम लोग का भाई सीन ये है कि अम्मी ने ना पता नहीं क्या अजीब खुदगर्जी डाली हुई है. किसी का पैसा तो हम लेते नहीं हैं और अपना ही कमा के कुछ करेंगे. तो हम ना चले गए, हमने इंटरव्यू दिया और हमारी जॉब लगी और हमने टीचिंग करनी शुरू कर दी. बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा. 6 महीने काम किया जहाँ पैसे कम्प्लीट हुए. आईफोन की छोड़ दी जॉब. अच्छा. मैंने अपना पहला फ़ोन अपने पैसों से लिया अल्हम्दुलिल्लाह. और मैंने आईफोन 6 दिया पैसे जमा करके जस्ट बिकॉज ताकि मैं वीडियोस बना सकूँ. ठीक है. उसके बाद मैंने फिर उसके बाद ना मैंने यूनिवर्सिटी पढ़ने जाना था. तो मैंने कहा कि मम्मा से नहीं लेंगे पैसे. उस टाइम पे मेरे पापा भी, उनको ना कैंसर था तो उनका अलग ट्रीटमेंट वगैरह चल रहा था. तो मैं नहीं चाहती थी कि ज़्यादा बर्डन हो कुछ हो. तो मैं ना यूनिवर्सिटी के लिए मैं सोची थी कि मैं खुद किसी तरीके से ऐसा कोई रास्ता निकालूँ कि मैं अपनी फ़ीस पे करूँ खुद ना, एटलीस्ट पहले सेमेस्टर की तो खुद करूँ. तो उस टाइम पे तो फिर हमने ना जॉब करनी शुरू की. तो अब अपेंडली हुआ ये कि उन्होंने ना मुझे थोड़ा इजी ले लिया क्योंकि मैं छोटी बच्ची थी ना. तो वहाँ स्कूल की जॉब ना बड़ी मुश्किल होती है. वो आपको जितना पे करते हैं उसका ट्रिपल आपसे काम कराते हैं, प्लस आपको मेंटल ट्रॉमा भी देते हैं. मुझे बड़ा दुख होता है कि हमारे पाकिस्तान में टीचर्स को वो रिस्पेक्ट ही नहीं दी जाती जो कि वो एक्चुअली डिजर्व करते हैं. और वो पे भी नहीं मिलती है. अपेंडली मतलब बाहर के मुल्कों में देखें टीचर इज़ अ वेरी रिस्पेक्टफुल जॉब और प्लस एक आपको वो पे भी करते हैं इतना अच्छा. तो लेकिन ये है कि समर वेकेशन मिल जाती है यार, 3 महीने की छुट्टी, हाफ डे जॉब है जो भी है. लेकिन स्टिल इस एक मैं कहती हूँ कि टीचर्स आपके पेरेंट्स की तरह होते हैं. बिल्कुल उनका एक बड़ा बड़ा रोल होता है आपकी जिंदगी में. कौन सी क्लास को पढ़ा रही थी आप? बहुत छोटी क्लास थी. किंडरगार्टन 4 5 6. अच्छा. नहीं इतनी भी नहीं, 4 5 6 को पढ़ा रही थी. तो अब ना क्या हुआ कि तो मैं छोटी थी तो वहाँ जो ना बड़ी पॉलिटिक्स चलती है. औरतें जब जहाँ 6 औरतें 7 हो तो पॉलिटिक्स ना चले ऐसा कैसे हो सकता है. तो बस वो बड़ी बड़ी आंटी थी ना, वो मुझे बड़ा दबाने की और हम तो दबने वाले थे नहीं, हमसे तो बर्दाश्त नहीं हुआ. अच्छा तो ना कि जरा भाग के जरा ये लेके आना, जरा भाग के वो लेके आना. मैं भाग के लेके भी आ रही हूँ क्योंकि जरा बच्ची है ना, ये भाग भाग के ले आएगी. और फिर उसके बाद ना तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं. फिर मेरी बस हो गई. मैंने कहा बात किस तरीके से कर रहे हैं मुझसे. तो 2-3 दफ़ा ना मैंने जवाब दे दिया. मैंने कहा यार आप मुझसे इस तरीके से बात नहीं कर सकते. आप लोग मैं आपके भले आपको जॉब खरीद तो नहीं लिया ना कि आप लोग ऐसे मुझसे बात करें. तो 1-2 दफ़ा ये हो गया. तो फिर बस फिर कुछ नहीं हुआ. फिर एंड में जो है ना वो बड़ा ही बदतमीज कोई प्रिंसिपल थी. देख रही होंगी अभी वो 100. अब वो आपके टिकटॉक्स देखती होंगी बट. यार हाँ वो देखती होंगी. उन्होंने मेरे साथ बड़ी बदतमीजी की. उन्होंने ना क्या किया कि मैं जब नीचे गई तो उन्होंने कोई मुझे बोला कि रुमैसा ने ना बदतमीजी की है, मतलब ऐसे जवाब दिया है. तो दूंगी जाहिर है. हाँ मुझसे बदतमीजी करोगे तो मैं दूंगी जवाब. तो कहती है कि ना बड़ी उम्र की थी वो, तो कहती है कि तुमने तो उन्होंने ना वो बस वो बड़ी है. मेरा ना एक असूल है, आप रिस्पेक्ट दो और रिस्पेक्ट लो. अब आप भले आप 50 साल की भी औरत क्यों ना हो, ठीक है, मैं आपकी रिस्पेक्ट क्यों करूँगी. आप मुझसे बदतमीजी करोगे फिर भी करूँगी. एक बार कर लूँगी, 2 बार कर लूँगी, 3री बार मैं भी चुप नहीं रहूँगी फिर. क्योंकि आप मेरी इज्जत नहीं कर रहे हो. क्योंकि मैं बताऊँ इज्जत जो है ना 5 साल के बच्चे की भी होती है. आप उसके मुँह पर चमाट मारोगे ना, अगर आपके पेरेंट्स आपके मुँह पर चमाट मार देते 5 साल के बच्चे के, तो वो अगले 25 साल तक उसको वो चमाट याद रहता है. आपको हमेशा याद होगा अगर आपने कभी अपने मामा बाप से कभी खाया, किसी ने भी आपको मारा है, आपको अब तक याद होगा कि यार उसने मेरे मुँह पर थप्पड़ मारा था. तो एक सेल्फ रिस्पेक्ट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है. तो उस टाइम ना उन्होंने मेरे पापा हॉस्पिटल में थे और आई वाज नॉट डूइंग मेंटली फाइन उस टाइम पे. और उन्होंने मेरे जो है पापा के बारे में कुछ बोल दिया मेरे मुंह पे. अब मुझे बताओ प्रोफेशनल लाइफ पे क्या ये बनता है कि आप बैठे हो जस्ट बिकॉज यू हैव द पावर यू कैन जस्ट से एनीथिंग जो आपके मुँह में आ रहा है. एंड देन यू कैन गो लाइक के ओ लाइक यू नो 2% की ये तुम अपने बाप पे जो है ये लाइक एक्सक्यूज मी Who the hell are you? अच्छा अब मसला ये कि वैसे तो मुझे गुस्सा नहीं आता, लेकिन काफी लोगों को ये नहीं पता कि जब मुझे गुस्सा आता है तो बस फिर कंट्रोल नहीं होता है. थाड़ थाड़ मैं फुल मेरी आवाज ऐसी हो जाती है क्योंकि मैं शिट नहीं बर्दाश्त करती किसी की. बिल्कुल मैं बहुत स्वीट हूँ, मैं आपसे इतनी अच्छे से मिलूंगी, उसके बाद भी अगर आप मेरे साथ शिट करोगे तो फिर तो मैं आपको बताती हूँ क्या होता है. अच्छा गुस्से से याद आया कि आप पठान तो नहीं है? लेकिन मुझे पछतो नहीं आती.
मुझे पता था नेक्स्ट सवाल ये पूछेंगे, मैं बताती हूँ. अब सीन ये है कि मेरे जो पापा हैं वो भी पठान, मम्मा भी पठान, बट मसला ये हमारी जो दादा नाना नानी ये तीनों भी पठान, ठीक है, ये लोग तीनों जल्दी जरा गुजर गए, अल्लाह मियां उन लोगों की मगफिरत करे. पर जो हमारी दादी थी ना वो जरा लंबी जी ली, और वो थी दिल्ली वाली, तो उनका होल्ड ना हमारी फैमिली में बहुत ज़्यादा था. तो हमारी चीज, और वो आई भी इंडिया से थी, तो हमारे अंदर ना पठान से ज़्यादा दिल्ली वाली चीज़ें ज़्यादा आ गई हैं. हम पठान प्रॉपर, लेकिन ना चीज़ें थोड़ी जो रिचुअल्स और खाने बनाने और ये सब वो बड़े दिल्ली वाले हैं, ये मुझे ऐसा लगता है. पठान में कौन सी कास्ट? यूसुफ़ज़ई. मेरे बच्चों को आए. अच्छा, तो कराची की कुछ इंटरेस्टिंग टर्म्स बताएं, जैसे चरिया होता है, और क्या होता है? चरिया होता है, पान के नाम आते हैं डिफरेंट डिफरेंट, चूना वाला होता है एक, और प्रिंस पता नहीं, कत्थई पान बोला, कत्थई लगा के ऐसा कुछ करके बोलते, कत्था लगा के पता नहीं क्या कहते हैं. यार पाकिस्तान कराची वाली तो बड़ी मजे की टर्म, कराची को मजे की स्लैंग टर्म, क्या कर दिएगा अबे, अबे तो बहुत स्टैंडर्ड है, ऐसे कैसे जानी पेप्सी पिएगा कि नहीं, टेस्टी और ही ना हुआ जरा कोने में बच्ची सेट कराऊं मैं. अच्छा, कोई बॉयज को टिप्स देना चाहें कि किस तरह लड़की अगर फंसानी हो क्या करना चाहिए? क्यों फंसानी है, अगर इम्प्रेस करना हो, बाय फंसाना है यार, आप बस जस्ट, पता है क्या, आप जस्ट बी योरसेल्फ. और मैं तो यही कहूंगी कि किसी को इम्प्रेस करने की कैसे, पता नहीं यार, मैं वैसे पता है पर्सनली मैं बड़ी ऐसी बन रही हूँ, आई डोंट अप्रोच. मुझे कोई पसंद आता है, मैं दूर दूर से पसंद आता है, जब मैं उसको हिंट्स दे दूंगी कि अप्रोच मी, बट आई वोंट गो एंड अप्रोच अ गाय. मोस्ट गर्ल्स आर लाइक दैट दो, कभी आई थिंक आई एम वेरी कॉन्फिडेंट टू अप्रोच, बट मेरा ना थोड़ा सा ईगो मसला आ जाता है. अच्छा, नहीं खुद ही है, खुद ही आओ क्या. अच्छा, क्यों डरते हैं ना? नहीं नहीं, कोई नहीं डरता. अच्छा? कौन डरता है मुझे बता दो. ऐसे छोड़े में आता जैसे अभी शादी कर दूंगी. अच्छा? जी नहीं नहीं, लेकिन लड़कों को बस ये टिप्स दूंगी, जस्ट बी योरसेल्फ एंड रिस्पेक्ट करो यार अपनी बंदी की, और उसको करने दो. कपड़े कैसे पहनते हो? फैशन सेंस के यार, वैसे मुझे मैं कहती हूँ अच्छी फैशन सेंस होनी चाहिए, मैं अपने लिए कह रही हूँ यार. नहीं, लड़का ऐसा हो. हाँ, यार अच्छा, हाँ ये लड़कों का ना मुझे बड़ा एक चीज अजीब लगती है, वैसे हमारे जैसे ही ना कि सोसाइटी में कि हम लड़कों पे बहुत प्रेशर है, हमें पैसे कमाने हैं, हमें, मुझे पता है गाइस गोना हेट मी फॉर दिस, ठीक है, मैं पिक मी गर्ल साउंड भी नहीं करना चाह रही हूँ, लेकिन मैं जनरली बात बताऊँ बिल्कुल ऐसा है. लेकिन प्रेशर अब मुझे लगता है हर इंडिविजुअल पे आज के जमाने में, लड़कियों के अलग मसले, लड़कों के अलग मसले. एक तो मुझे समझ नहीं आता व्हाई डू वी कंपेयर, कंपेयर ही क्यों करना है, लड़के ऐसे लड़की ऐसे, इट्स नॉट अबाउट दैट. अगर कोई चीज़ गलत है तो वो लड़का करे लड़की करे, वो गलत है, वो जो सही है लड़का करे लड़की करे, एग्जैक्टली. तो लड़कों का ना आज का सीन ये है कि दे डोंट हैव गोल्स, कुछ लड़कों का, ज़ाहिर सबका नहीं, कुछ बहुत बड़े अच्छे भी लड़के होंगे ऑफकोर्स, लेकिन कुछ लड़के जो मैंने इर्द गिर्द अपने देखे, लड़कियाँ भी गोल्स नहीं है ज़िंदगी में, मतलब आगे क्या करना है आपको पता नहीं, आपके कुछ प्लान्स होने चाहिए, कुछ तो हो कि यार मैं ज़िंदगी में कुछ करना है, और अगर नहीं करना है ना तो फिर आप किसी ऐसी लड़की के लिए नहीं जाओ जिसके पास गोल्स हैं कुछ करने के लिए, मतलब कि पहले तो आपकी, मैं कैसे समझाऊं, एक तो मैं बड़ी बुरी हूँ चीज़ें समझाने में. नहीं, लेकिन कुछ लोगों के पास गोल्स होते हैं वो बताना नहीं चाहते. नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, मैं बताती हूँ, मतलब उनका ये होता है ना कि भाई मैन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है क्योंकि तो आप उस प्रेशर को पॉजिटिवली लो और उसको अपनी मोटिवेशन बना के काम करो. एंड व्हाई यू आर लाइक ओ अब मैं कुछ और नहीं करूँगा. मैंने इतने लड़के देखे, वो यूनिवर्सिटी आते हैं मेरी यूनिवर्सिटी में, ठीक है, ना वो पढ़ रहे ना वो कोई बिजनेस कर रहे हैं, मतलब क्या कहते हैं ना, पढ़ इसलिए रहा क्योंकि बिजनेस करना, तो वो भी तो नहीं कर रहे. तो कर क्या रहे हो, बच्चियां फंसा रहे हो आप, बच्चियां चाहिए आपको, ठीक है, इर्द गिर्द की आपको, बस वो बच्चियां फंसाने का ना निंजा टेक्निक है, उनको बोलो कि मेरे अब्बा मुझे करने नहीं देते, मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, तो करो उसके लिए, यू हैव टू डू समथिंग फॉर इट. आप हाथ पे हाथ रख के बैठे रहो कि अल्लाह मियां कुछ करेंगे, तो अल्लाह मियां भी नहीं करेंगे, मेहनत में अजमत है, आपको कोई काम हिलना पड़ेगा कुछ करने के लिए. जो एक्शन लेते हो वो आप लोग पसंद, मुझे अच्छे लगते हैं लोग जो कि पोटेंशियल होनी चाहिए. मैं पता है, मैं सीधी बात बताऊँ, लोग अच्छा, एक तो पता नहीं कौन सी लड़की है, गोल्ड डिगर मुझे तो नहीं दिखती, मैं तो लगता है मैं शुगर मॉमी बनूंगी, ऐसा मुझे सच में ऐसा लगता है कि मैं पाल रही होंगी किसी लड़के को ना, कि आओ बेटा आओ खाना खिलाऊँ तुम्हें, मुझे ऐसा लगता है ऐसे. लेकिन मुझे ऐसे लड़के पसंद है कि भले पता है उसके पास पैसा ना हो, उसके पास ड्राइव हो और टैलेंट, दिल होना चाहिए, दिल होना चाहिए कि यार मुझे बिलीव हो उस पर, आई विल, मुझे मतलब मैं उसको साथ लेके चलने के लिए तैयार हूँ, कि मतलब बस उसमें मेहनत हो, वो कुछ कर रहा हो कुछ बनने के लिए,
तो फिर why not to support him? We will. लेकिन अगर वो करना ही कुछ नहीं चाहता जिंदगी में और वेलियां खाना चाहता है, वेलियां कर रहा है ना, पढ़ रहे हो, अपने बाप का पैसा जाया करो, पहले MBA करा, फिर तुम अब अकाउंटेंट बन रहे हो, अब तुम इंजीनियरिंग कर रहे हो, that doesn't make any sense. Right. And that's a very big turn off for me. अच्छा सुन लो गाइस, सुन लो. नहीं मतलब नॉट इवन फॉर गाइज, मैं तो लड़कियों को भी बोलती हूँ, आपने आपने पूरी MBBS कर लिया, सब कर लिया, उसके बाद में शादी करी और आपने परस्यू ही नहीं किया, मतलब अपना गोल नहीं, किसी और की सीट भी ले ली और फिर आपने वो किया भी नहीं, आप करो उसको परस्यू. मुझे पता है वैसे मुश्किल भी बड़ा है, शादी हो जाती है एंड देन गाइज डोंट अलाउ. अच्छा लड़कों का ये भी मसला है कि हम पे बहुत एक्सपेक्टेशन दी है, फिर अपनी बंदी को जॉब भी नहीं करने देनी, अकेले भी कमाई है, मतलब बहुत ही मसले मसाए ना सोसाइटी में, लेकिन अब चलना तो है, तो यू हैव टू फेस देम एंड इंस्टेड ऑफ मेकिंग देम कि एक्सक्यूज, उसको एक्सक्यूज बना के आप यूज़ करो, उसको एज अ मोटिवेशन यूज़ करो और एंड जस्ट यू गुड टू गो. अच्छा तो आपका क्या है लॉन्ग टर्म गोल? मेरा लॉन्ग टर्म गोल यार, मैंने बताया ना मुझे शुरू से एक्ट्रेस बनना था, तो मैं वो कर तो बन गई ना, वो मैं कर रही हूँ, बट आई यार कहाँ जाना चाहेंगे, छोड़ो कहाँ जाना, कहाँ चाहते न्यूज बन जाएंगे छोड़ो यार. मैं तो बस इतना बता देती हूँ कि मुझे ना सिर्फ लोकली नहीं रहना, इंटरनेशनल हॉलीवुड में जाना, ऑस्कर लेना, हॉलीवुड में कोई नहीं लेने वाला मुझे, लेकिन यू नेवर नो. नहीं बॉलीवुड तो बंद है वैसे, क्या पता मैं सीख लूँ, लेकिन नहीं मैं बताती हूँ. सो आई एम लाइक स्टडिंग फिल्म एंड टीवी एज वेल, तो मैं कुछ ऐसा बनाना चाहती हूँ, लाइक ऐसे कुछ कॉन्टेंट बनाना चाहती हूँ जो कि ग्लोबली जाए. अच्छा लाइक कोई फिल्म टाइप, स्क्विड गेम्स टाइप, अल्लाह करे, आई होप सो. मेरे ख्वाब डायरेक्टर टाइप, मुझे मेरे पापा ना बड़ी एक चीज़ बोलते थे, मैं सबको बोलती हूँ कि आप जब अपने ख्वाब, क्योंकि मुझे पता है इस पर मीम्स बन सकती है, तो मैंने कहा अभी बता दूँ कि आपके ख्वाब जब आप किसी को बताओ ना और अगर वो सामने से हंस दे, इसका मतलब आप बिल्कुल सही रास्ते पे जा रहे हो, क्योंकि आपका ख्वाब इतने बड़े हैं कि वो किसी को हंसा रहे हैं. हमें तो नहीं आया, आपको नहीं आया, वो अभी आएंगे ना मीम्स, अभी बता के देखिएगा दो तीन. नहीं मैं तो चाहता हूँ कि लाइक आप इंसान का बढ़ना है तो सही है. अभी आपने देखा विल स्मिथ ने थप्पड़ मारा, हाँ क्रिस रॉक, आप किसकी साइड पे हैं? मैं विल स्मिथ, मैं एकेडमी की साइड. ये वो ही है, मेरी बीवी को क्या बोला, हाँ क्यों बोला, अभी कबीर सिंह थप्पड़ ना मारूं, थप्पड़ वाली ये कबीर सिंह है, हाँ इतना इतना गुस्सा नहीं, मेरी बीवी को हाथ, आप किसकी साइड में? मैं उस जिसने क्रिस रॉक, नहीं विल स्मिथ, जो लोग ऑडियंस में बैठे हो कर आपको लगता है कि वो अपोलोजाइज करके चुप नहीं हो जाता, आप किसी को फिजिकली असॉल्ट करके आ गए हो, दैट्स नॉट, नहीं बेसिकली देखो अगर वो जोक को लेट गो कर देता, किसी को नहीं याद रहना था कि जोक, अब ये जोक भी याद रहेगा, वो ये भी होगा कि बीवी वो और हाईलाइट होगा, एग्जैक्टली, और उसका ऑस्कर मोमेंट भी खराब हो गया, अब वो ये याद रखा जाएगा कि थप्पड़ मारा, ये नहीं याद रहेगा, He ruined it for himself. Like, मैं सच्ची बताऊं तो मेरे ख्याल में उसका शायद ऑस्कर वो वापस ले लें, नहीं नहीं, लेकिन मुझे उसने केस नहीं किया अगले ने, क्रिस रॉक ने, और किसी ने बड़ी कूल बात की हुई थी कि अगर क्रिस रॉक की जगह रॉक होता तो देखते कैसे. ऐसे चमे पड़ता, I used to love rock, पता बचपन में मैं रेसलिंग बड़ी शौक से, बॉडी बिल्डर्स पसंद ना आपको? बड़ा पाला पड़ा. ये तो आपने बताया नहीं कि बॉडी होनी चाहिए कि नहीं भाई बॉडी. अच्छा वैसे मुझे पता हूँ लड़कियों की बड़ी ख्वाहिशें होती हैं. अच्छा मुझे तो पता नहीं, मेरे साथ अजीब मसला है, मुझे अगली लड़के बड़े अच्छे लगते हैं. अगली लड़के पसंद, मतलब अच्छी लुकिंग हो, गुड लुकिंग हो, दे शुड नो हाउ टू कैरी देमसेल्फ, बट इवन इफ दे आर नॉट दैट गुड लुकिंग आई डोंट माइंड. प्रिटी बॉयज नहीं पसंद? नहीं नहीं प्रिटी बॉयज पसंद है, मतलब मैं कह रही हूँ लुक्स आर नॉट लाइक नॉट दैट ऑन द टॉप हो जाएगा, पर्सनालिटी इज मोर इंपॉर्टेंट. पर्सनालिटी लाइक मुझे वो चाहिए कि यू नो दे नीड टू बी वेरी मच अट्रैक्शन होती है ना, कॉन्फिडेंस होता है, लाइक दे कैच यू, लाइक आप उनसे बात करो तो आपको मजा आता है कि यू नो कि यार मतलब दे सो कूल, आप अच्छी बात करते हैं, सेंसिबल बात करें. मुझे बड़े बुरे लगते हैं लोग जो इनसेंसिबल सी कुछ भी बोले जा रहे हैं, बस बोल रहे हैं. तो कभी ऐसा हुआ कि आप बाहर गए हो, जिन नजर आ गया हो, ये चुड़ैल यार? हाँ एक दफ़ा, ये तो मैं जान, तुमने सबसे किया ना ये भूत वाली बात, मैं एक दफ़ा बताती हूँ, मेरे साथ एक चीज हुई थी. देखा आपने सब है, है? देखा आपने सब. मुझे डर नहीं लगता वैसे जिन वगैरह से, और मेरे साथ ऐसे मुझे बड़े बुरे लगते हैं वो लोग, वो हमने वो उल्टे पैरों वाली, भाई क्या हो गया, चुड़ैल देख ली, मुझे चुड़ैल नहीं होती, ठीक है वो क्या होता है, लेकिन मैं मानती हूँ जिन्नात होते हैं. और मेरे साथ एक दफ़ा ये सीन हुआ था कि मैं फजर का टाइम हुआ था, हमारा फ्लैट, मैं जहाँ पहले रहती थी वो फ्लैट था, तो हमारी जो गैलरी जिसको कहते हैं बालकनी, वो उसमें कोई नहीं होता क्योंकि हम सेकंड फर्स्ट फ्लोर पे थे, ठीक है, तो वो एसी का जो वाला एसी नहीं होता, विंडो एसी, हाँ वो था हमारे घर में, उसके बैक साइड जो होती है ना वो पीछे होती है, हाँ साइड पे, हाँ
और कुंडी लगी हुई, तो पीछे तो कोई हो ही नहीं सकता। और हल्की हल्की रोशनी आती है, विंडो थी तो विंडो की रोशनी आती ना, तो पीछे से कोई अगर है तो शेडो आएगा। ठीक है, तो मैं ऐसे उठ के पानी पीने के लिए गई, तो मैंने देखा तो मुझे नॉक की आवाज़ आई। तो जब मैंने एक शीशे की तरफ देखा तो मैंने एक हाथ देखा जो कि विंडो को नॉक करा था, थक 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 थक। मैंने देखा, मैंने भागी, मैं हम जाहिर है आपने कोई ऐसा देख लिया, आप पानी पीने जाओ, आपका पानी निकल चुका बाथरूम भाग रहा था मुझे तो वैसे, लेकिन मैं तो ऐसे भागी जैसे वो पीछे नहीं आ सकता। तो मैं तो भाग के कंबल के अंदर ना फुल, और मैं सो गई। और मैं अगले दिन सुबह उठी, मुझे ऐसा लगा कि शायद मैंने उसको जाने दिया। दो साल बाद मेरी पप्पो मेरे घर आती हैं, उनको तो बड़े जिन्नात दिखते थे, अल्लाह सॉरी पप्पो, अल्लाह में उनकी मगफरत करे, तो उनको बड़े जिन्नात दिखते थे। तो कहती है कि ना हाँ अभी इस घर में भी ना हमारे जिन्न है। मैंने कहा अच्छा क्या हुआ? कहती हूँ उस दिन वो खिड़की के पीछे से नॉक। मैंने कहा ये कहीं सुना सुना लग रहा है और देखा देखा भी लग रहा है। मैंने कहा ये तो मेरे साथ दो साल पहले हुआ था, अब हमारे घर में तो कोई माने ही ना, मेरे घर में तो कोई मानता ही नहीं है ना, मतलब उनको बता दो। मैंने माँ को बोला, मैंने कहा मैं एग्जैक्टली कह रही, तो तुमने तब क्यों नहीं बताया था? मैंने कहा मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने शायद नहीं देखा, जब उन्होंने बता दिया ना फिर मैंने बोला अच्छा, मैंने कहा ये मेरे साथ भी हुआ है, ये कोई चीज़ थी। अच्छा, तो आजकल के कोई लड़का या लड़की सुन रहा हो और उसने नेक्स्ट रूम ऐसा खान बनना या डिजिटल स्टार, मैं आपके साथ बैठूं, मुझे गाइड करें। अगर हाँ, सपोजिंग मैं टिकटॉक पे नहीं रहे, आप कहाँ से रूम ऐसा बनेंगे? रूम ऐसा नहीं, आपने बताना नहीं, लेकिन अगर कुछ डिजिटल स्टार लाइक इंटरनेट पे फेमस होना है, लाइक सोशल मीडिया फॉलोइंग, कैसे क्या आजकल क्या चल रहा है बेसिकली? टिप्स एंड ट्रिक्स, टिप्स एंड ट्रिक्स, वीडियोस बनानी चाहिए क्या? तो आवाम जस्ट Be yourself भी नहीं, just unique selling point का पता है business में, अगर किसी UPS, yes. बस आपको UPS, आपको निकालना है, कुछ ऐसी USP, sorry, UPS. यार वो यार मैं nervous हो गया ना, मैं उसको correct भी नहीं करी, मैं बोल रही हूँ UPS. मैंने पूरी pronunciation, पता मैंने पूरी pronunciation बोल दिया, फिर मैं आपको बोल रही हूँ हाँ UPS. तो आपका क्या है USP? यार मतलब आपका जनरेटर है मेरा यूपी यार पता है क्या, मैं तुम्हें बताऊं, मैंने जब कंटेंट क्रिएशन शुरू की थी ना, तो लोगों को ये चीज पसंद आई थी, मिमिक्री ना, सारी नहीं मिमिक्री, उस टाइम पे सारी लड़कियां ना अदाएं एंड यू नो लाइक चिकनी चमेली लाइक scenes like full of dye, beauty, makeup, slow motion, slow motion. No, their dance. I do dance sometimes. I do make dance videos because I like to dance, but मुझे इतना अच्छा भी नहीं आता. उससे माँ से relate कर पाती कि मैं बातें ऐसी करती हूँ. मतलब वो वाली बात नहीं होती ना कि वो मैं रंजन से आऊँ, मैं ये UK हूँ, भाई नहीं. वो नहीं चलता ना. चिली आ रही. नहीं अच्छा ये वाला ये नहीं चलता लंदन ये वो ये चलता है फिर वो एलीट वाली आवाम आएगी आपके पास लेकिन उस पे लाइक्स इनकी औलादें आएंगी आपके पास लेकिन लाइक्स उस पे कम आते हैं लाइक्स कम आते हैं ऐसी चीजों पे लाइक्स कम आते हैं क्योंकि वो आवामी चीज है देखो अब जैसे आई लव मूरो तो उसमें अगर को तो मूरो लेकिन मूरो का कंटेंट अगर आप देखें तो वो एलीट है वो मासेस नहीं रिलेट कर पाती फिर मासेस जो है मतलब जो के वो फिर क्या देखना चाहती है मास सफदर को देखना चाहती है देखो फेम मिलना इज वेरी इजी इट्स अबाउट कि आप मेंटेन कर सकते मेंटेन भी नहीं आप मैं जनरली बात बताती हूँ जैसे कि फॉर एग्जांपल अब वी आर वर्किंग हम फेमस तो हो गए अब काम किसको मिल रहा है जिसके पास ऑडियंस अच्छी है जो कि कंटेंट बनाना जानता है जिसको एक्ट करना आता है जिसको बोलना आता है ठीक है कोई भी ऐसे बंदे को कोई टिकटॉक पे कितने लोग फेमस है 14 मिलियन लेके कोई बंदा अगर बैठा हुआ है तो उसको सैमसंग नहीं आके बोलेगा कि यार मेरे फ़ोन का प्रमोशन कर दो क्योंकि उसकी ऑडियंस ही कोई फैसलाबाद में बैठी हुई शगुफ्ता तो 40-50 का फ़ोन नहीं खरीदेगी वो कौन सी ऑडियंस खरीदेगी वो मुस्तफ़ा बाबर ले लेंगे वो ऐना को ले लेंगे वो आपको ले लेंगे क्योंकि उनको पता है कि आपकी ऑडियंस जो है वो वाली ऑडियंस है जो सोबर ऑडियंस है एंड दे कैन बाय दैट थिंग एंड दे वुड लव टू एसोसिएट यू विद देयर ब्रांड राइट सो फेमस होना इजी है बट काम मिलना वो सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगा जो कि सो नंबर्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है देन मेरे तो बहुत लोगों से कम फॉलोअर्स हैं बट आई एम स्टिल हियर लाइक लाहौर में बैठी हूँ काम टीवी से करने आई हूँ मैं पॉडकास्ट पे आ गई हूं आपके पॉडकास्ट पे आ गई हूं मैंने तो सोचा भी नहीं था अब लाइफ चेंज होगी अब मिल जाएगा तो आप सैमसंग क्या आईफोन
ग्लोबल 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 चाय फोन ना पढ़ी है कोई यूनिवर्सिटी मैं पढ़ी हूँ मैं इकरा यूनिवर्सिटी से फिल्म एंड टीवी अपना मीडिया साइंसेस के मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ क्योंकि पहले मैं बीबीए कर रही थी आई वाज डूइंग बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड देन आई डिड इट लाइक फॉर वन ईयर बट देन आई स्विच्ड माय मेजर्स बिकॉज मुझे ऐसा लगा कि दिस इज समथिंग आई वांट टू बिकॉज मुझे बिहाइंड द कैमरा काम करने का भी बहुत ज़्यादा शौक है आई लव टू वर्क लाइक कैमरा थिंग्स एंड डायरेक्शन गाइडिंग मतलब मुझे बहुत मजा आता है मतलब मुझे फ्रंट से ज़्यादा बैक पे भी बड़ा मजा आता है काम पीछे बैठा दें हम बिठा दें आपको यार हमें बंदा चाहिए था ना जो मैनेज करे सारा तो आप किस लिए हैं ये वैसे बोलते तो हैं नहीं पीछे काजू के साथ बिठा दे बैठे रहेंगे काजू में लेकिन जब आप यूनिवर्सिटी जाती हैं इकरा तो लोग आपको डिफरेंटली ट्रीट करते हैं आपके स्टार आ गई जी वो और अच्छा मेरी यूनिवर्सिटी जिस कैंपस में मैं वो बड़ी छोटी है अच्छा वो उसमें ना मुझे वो वैसे ही बड़े सालों से जानते हैं मैं 2019 में से पढ़े आ रही हूँ मतलब मैं लंबी मैंने इकरा में एक दफा कॉन्सर्ट किया वह उधर बास्केटबॉल कोर्ट है एक बड़ा सा हाँ मैं उसी कैंपस में हूँ हाँ हाँ बड़ा अच्छा कैंपस है नहीं मैंने परफॉर्म किया था कॉन्सर्ट कैंपस में आए थे मतलब हाँ हाँ गुलशन कैंपस में गुलशन इकबाल काफी दूर करके था गुलशन इकबाल होगा उसमें एक सिर्फ छोटा है लेकिन बस सिर्फ कैंटीन सा एरिया था कैंटीन एरिया पे उसके बाद बास्केटबॉल कोर्ट मैं उसी कैंपस में अच्छा 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 तो अपनी उसी कैंपस में हूँ तो मैं तो वहाँ के लोग मुझे जानते हैं हालांकि जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चे आते हैं ना वो मुझे लेकिन मुझे बड़े अच्छे से ट्रीट करते हैं वो लोग लाइक मतलब सेलिब्रिटी नहीं होता कि कोई हूटिंग वूटिंग करता है नहीं सेलिब्रिटी ट्रीट हाँ मतलब कहते हैं कि आप हमें बहुत अच्छी लगती हैं मुझे लड़कियाँ मेरे पास ज़्यादा आती हैं लड़कों में से ज़्यादा पता है मुझे बड़ा खुशी होती है लड़कियाँ मुझे बड़ा प्यार देती हैं वो मुझे लड़के इंटिमिडेट होते हैं यार हाँ मतलब दे आर वेरी नाइस टू मी मुझे कभी कभी यकीन नहीं आता मुझे लगता है कि ऐसा होता होगा कि शायद नहीं लड़कियों होती हैं मनोज मारी क्यों फेमस हो गई है ऐसा कुछ सीन नहीं है जेलसी नहीं नो दे आर वेरी नाइस दे कम टू मी जैसे कि यार पता है हमें हम मतलब ऐसा भी हुआ है कि मतलब रोने लग गई हैं देख के मतलब रो रही हैं रोने लग गई कह रही हैं एक लड़की थी मेरी बड़ी अरीबा नाम है उसका मुझे नाम याद है उसका तो मैं उसको हमेशा मैं बोलती हूँ वो मेरी इतनी बड़ी फ़ैन थी कि मैं वो आई उसके फ़ोन का कवर भी मेरी पिक्चर उस पर फिर पीछे भी उसने लॉकेट पहना हुआ मेरे नाम का ठीक है मैंने कहा थोड़ा सा गिड़ंच मामला लग रहा है मैंने उसको पूछा मैंने कहा सब ठीक है सब ठीक है ओके तो फिर वैसे अच्छा लगता है मुझे बातें करना मुझे अच्छा लगता है मैं चाहती हूँ मैं लोगों को खुश करूँ और उनको एंटरटेन करूँ और उनको हंसाऊँ वैसे मैं बड़ी स्वीट बन गई हूँ ऐसी बात नहीं है हाँ आज अंदाजा हो गया यार नहीं मतलब वैसे लाइक मैं कभी कभी ना ज्यादा रोस्ट वोस्ट करती हूँ लोगों को अच्छा यार रोस्ट करती हूँ क्योंकि अगर मुझे किसी से प्यार है या मुझे वो अच्छा लगता है मैं सिर्फ उन्हीं को रोस्ट करती हूँ तभी आपने अपने रोस्ट नहीं किया आज हाँ नहीं बंदा जो है ना वो गाएगा हैप्पी बर्थडे टू यू ओ लायन तो वो लायन जाके मोमबत्ती के ऊपर ब्लो करेगा और बुझ जाए ऑलराइट गाइस दैट वाज आवर क्या आपने कहा इंटेलेक्चुअल बातें आपको पसंद है वो कुछ लग गया आपके माइक पे अच्छा मुझे बताएं अगर एक हाथी पानी में चला जाए तो वो बाहर कैसे निकलेगा पानी में गिर गया है वो अब बाहर कैसे निकले आपको पता है सुनी हुई है मैंने हाथी पानी में गिर गया ये वेल वाला सुना है कि वेल में गिर जाता है क्या वेल में नहीं पानी में गिर गया बाहर कैसे निकलेगा चल गया बाहर आ जाएगा कौन से पानी में गिरा पानी में बहुत ही स्टूपिड नहीं ठहर ठहर सूंड से पानी निकालेगा यूं मैं आता पर यार लिख लो भाई नेक्स्ट गेस्ट से ही भी अच्छा वो एक और थी वो कायदे आजम वाली यार वाली देखी वो जो नहीं वो बकरे को फ्रिज में रखना है तो कैसे रखेंगे आप बताएं कैसे रखेंगे बकरे को फ्रिज में दरवाजा खोलेंगे फ्रिज को अंदर रखना फ्रिज में 3 हिस्सों में अंदर रखना है फिर कहते गधे को कैसे रखना है 4 हिस्सों में दरवाजा खोलेंगे बकरे को बाहर निकालेंगे हां अच्छा अच्छा ये वाली सुनिए फिर बोलते शेर की बर्थडे थी कौन नहीं आया हैं क्या थी पूछो आप एक उंगली ऊपर ये मैं आपसे पूछती हूं रुको आपने बोला अच्छा हां हाथी को फ्रिज में रखना ना 3 हिस्सों में कैसे रखेंगे फ्रिज खोलेंगे फ्रिज का दरवाजा खोलेंगे हाथी को अंदर रखेंगे दरवाजा बंद कर देंगे बकरे को रखना कैसे रखेंगे 4 हिस्सों में
फ्रिज खोलेंगे, दरवाजा खोलेंगे, हाथी को निकालेंगे, बाहर निकालेंगे, बकरे को अंदर डालेंगे, दरवाजा बंद। शेर की बर्थडे थी, गधा नहीं आया, क्यों नहीं आया? क्योंकि फ्रिज में था वो। वो तो बकरा था, वो तो बकरा था। अच्छा पागल, वो यहाँ रखा इसलिए नहीं आया। गुड वन, गुड वन, नाइस वन। बैठ जाइए, बैठ जाइए। और कोई आती तुम्हें पहली? ए, मुझे आती है एक बड़ी इंटेलेक्चुअल सी है वो, लेकिन पूछूं बस फिर आखिरी करते हैं। हाँ ये आखिरी। एक ना डॉक्टर बेटे के साथ जा रहे गाड़ी में, ठीक है, डॉक्टर बेटा गाड़ी में जा रहे और एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, और दोनों की डेथ हो जाती है, नहीं दोनों की डेथ नहीं हो जाती, डॉक्टर की डेथ हो जाती है और बच्चे को हॉस्पिटल लेके जाते हैं, ठीक है, बच्चे को हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो जो वहाँ के डॉक्टर होता है वो बच्चे को देख के बोलता है ये तो मेरा बेटा है, तो जिसकी डेथ हुई थी तो वो कौन था? ये मैंने सुनी हुई है, एक से नहीं यार, नहीं सुनी हुई, फिर से बोलता है भाई, डॉक्टर बेटा गाड़ी में जा रहे हैं, ठीक है, उनको हॉस्पिटल लेके गए और दोनों की डेथ हो गई, ठीक है, जब डॉक्टर ने बच्चे को देखा तो उसने बोला ये तो मेरा बेटा है, तो फिर वो कौन था जिसकी गाड़ी में डेथ हो गई थी? डॉक्टर बाप ही था उसका, नहीं? हाँ, तो वही बोल रहे हैं, तो मर गया ना बाप, तो अफसोस तो पहले कर लेना, मर गया वो। वो माँ थी ना। हाँ, ये देखो ये होती है माँ, डॉक्टर माँ थी ना, मरा जो था वो बाप था गाड़ी में, और जो उसने पहचाना था, लेकिन आप तो था कर रही थी तो इसलिए लगा कि वो माँ, बाप मर गया ना, तो वो जो मर गया, मर गया वो, तो उसने बोल, मैंने कहा जो डॉक्टर ने हॉस्पिटल में उसको देखा और बोला कि ये तो मेरा बेटा है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो वो माँ थी ना डॉक्टर, वो नहीं किया ना, हम लोग इमेजिन नहीं करते ना। अच्छा अच्छा, नहीं ट्रिक किया आपने इसलिए। और कोई हमें लास्ट जाते जाते कोई मजे की बात या कोई जोक, कोई ऐसा अगर पता नहीं क्या, मैं कोई यहाँ पे जाते जाते इस दुनिया दुनिया से जाते फाइव रुपीज का, अभी चेंज नहीं है, बाद में दे देंगे, वो जो आपको मैं 500 दी उसमें से काट देंगे, निकल आएगा ना आपका अच्छा पॉडकास्ट। हाँ यार, देखिए अगर अगर 300 के नहीं, अगर 300 के कितने 500 के व्यूज होते हैं ना इस पॉडकास्ट पे, तो मैं फिर बिलाल को बुलाऊंगी कराची, ये और मैं करूंगी इनके साथ पॉडकास्ट। डन डन, पैसे बनाते हो तुम्हारे यूट्यूब सही हो गए तो है ना, कितने 5 लाख व्यूज करने और कितने लाइक्स करने, लाइक्स नहीं बस 5 लाख व्यूज हो जाते हैं। हां 5 लाख व्यूज, आपने शेयर करना है इस वीडियो को, शेयर कर, मीम्स बनाए इस पे, नहीं भाई मीम्स नहीं बनाए, काट काट के क्लिप्स लगाएं, आई लव यू ऑल, प्लीज डोंट डू दैट टू मी, और इसी तरह वायरल होता है, मेरा दिल कमजोर है, नहीं किया करो मेरे साथ, नहीं मीम से वायरल नहीं होता कंटेंट ज्यादा यार, तो नेगेटिवली क्यों आपको होना है, ऐसी कोई मीम बने कि लोग बोलें कि यार क्या बात की है बच्ची ने, हो सकता है ऐसी बन जाए, हो सकता है, आपने इतनी इंटेलेक्चुअल बातें की, मोटिवेशनल बात नहीं, तो मोटिवेशनल बात को एंड में कर जाए, मैसेज नहीं देना यूथ को, वैसे को मोटिवेशन, मोटिवेशन क्या बात करूं मैं यार, बस मुझे बी योरसेल्फ इस तरह नहीं, बी योरसेल्फ वाला सीन नहीं है, मुझे बस ऐसा लगता है कि मोटिवेशन बस मैं यही दे सकती हूं कि जस्ट रिलेटेड दूं मैं, मुझे तो कुछ भी बोल लो किसी, मैं तो दे देने के तैयार हूं, ऐसे मैसेजेस दूंगी मैं, कोई बच्चा आपको सुन रहा है बड़ा फैन है कि सीधी बात बताऊं, मैं जब क्लास में जब मैं बैठती हूं मैं ऐसे बैठती हूं क्योंकि आई वांट टू लर्न, आई लव टू लर्न थिंग्स, आई लव टू लर्न न्यू थिंग्स, तो बड़ा अच्छा लगता है, मैं चाहती हूँ कि मुझसे मैं इसलिए मुझे इंटेलिजेंट लोगों से बात करना इसलिए ज़्यादा पसंद है क्योंकि मुझसे सीखने को बड़ा मिलता है, right. क्या वैसे मुझे हर किस्म के लोगों से बात करने का इसलिए पसंद है क्योंकि कुछ ना कुछ किसी से ना उनसे सीखते रहो अच्छा लगता है कि और बिजनेस भी आप स्टार्ट करने लगे अभी रुक जाओ ये नहीं बताना हाँ हाँ कर रही हूँ अच्छा नहीं 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 कर रही नहीं अच्छा 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 आपको बिजनेस है कोई बीके केयर का एक दफा प्रोडक्ट आया था मुझे मैंने कहा शायद वही है क्या कैसा था कपड़े वपड़े भेजे क्या मसला है आपके साथ हाँ मैं बस बहुत अच्छे कपड़े अभी आपको आज मैं आई थी आपको मुझे कपड़े भिजवाने चाहिए एक्चुअली हम दे रहे थे लेकिन वो हमारी सेल आउट हो गई स्टॉक ही नहीं है ये अभी आपने बीके केयर पहने जी हार्ट हार्ट हेयर टू स्टे यहाँ पर रहने हैं नहीं बहुत अच्छी है टेन डाई फुल कूल स्टफ है ना इस्लामाबादी कूल कूल फुल इस्लामाबादी अगर आप कूल बनना चाहते हैं बीके वेयर्स अब बाबा आ रहा हूँ मैं बाबा आर थोड़ा जरा एम्फेसिस ज़्यादा दो तीन
थोड़ी। अच्छा आप ये बता दें बर्गर और केक में क्या फर्क होता है? बर्गर और केक में क्या फर्क होता है? पहेली नहीं है वैसे, केक फोक से खाते हैं, बर्गर पकड़े खाते हैं। अच्छा I don't know, क्या फर्क होता है? पता नहीं, हमने ये फिगर आउट कर रहे हैं काफी। हमारा मैंने देखा था, एक कहीं और भी दिखा था। ये मुस्तफा से पूछ रहे थे, मुस्तफा केक में क्या फर्क होता है? हाँ, वो कहते हैं कुछ केक भी होता है। वो कहते हैं वॉनबी टाइप होते हैं केक होता है। मैं केक हूँ, आप बर्गर हैं। केक लाहौर वाले हैं और बर्गर इस्लामाबाद वाले हैं। मैं तो दोनों ही नहीं हूँ। और लोग कराची वाले क्या है? बिरयानी। बिरयानी नहीं, वैसे वाले बेस्ट हैं यार, मतलब ना इधर के ना उधर के, हम बीच के हैं। बीच 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 होता है ना कराची। Alright guys, that was our podcast. I hope आपको पसंद आया। We had the amazing Rumaisa Khan and अभी तो बातें मुझे लगता है कि सारी Rumaisa Khan होता है। Rumaisa ही है, सही है। Rumaisa बोला ना इस्लामाबादी भाई। Rumaisa. Rumaisa. Alright guys, we had Rumaisa here. Rumaisa. Oh my Rumaisa God. Rumaisa Khan. Rumaisa Khan. आज हमारे पास थी Rumaisa Khan. और उनके साथ बहुत मज़ा आया हमें, और उम्मीद करता हूँ कि 500,000 व्यूज़ आएंगे ताकि फिर मैं उनकी पॉडकास्ट पे जा सकूँ जिसका नाम है रोज़ा पॉडकास्ट। नहीं नहीं, अभी नाम ही नहीं रखा। अच्छा, खान का ही कुछ होगा, उसी में कर देंगे आरके पॉडकास्ट। यार ऐसे कुछ करते निकालते हैं अभी पॉडकास्ट। हाँ। फिर बिलाल को बुलाएंगे, फिर बिलाल से फिर आपने कहाँ लिफ्ट करानी फिर हमें? क्यों लिफ्ट नहीं करानी? बस आप है फिर एटीट्यूड। अब आज तक फॉलो तक तो किया नहीं इसने मुझे। नहीं आज पॉडकास्ट से आज करूंगा। करेंगे आप इंस्टाग्राम पे कि टिकटॉक पे? इंस्टाग्राम पे नहीं, टिकटॉक। क्यों? हां इंस्टाग्राम पे जीरो फॉलोइंग रखनी है लड़के को। ये होता है, ये बर्गर केक का फर्क पूछ रहे थे ना, वो यही है। नहीं नहीं, आजकल तो हर कोई ऐसे ही करता है। नहीं कौन क्यों करते, मेरे तो 5-3 फॉलोइंग। मुझे बताओ फॉलोइंग कम करने से क्या होता है? हाँ ये अच्छा सवाल। क्या क्या फर्क पड़ता है फॉलोइंग कम होने से? नहीं मेरा तो मकसद ये था कि वो, मैं ये लंबी कहानी है कि मैंने क्यों किया था। मैंने तब किया था जब कोई और नहीं कर रहा था। नहीं आप शाहरुख खान हैं? नहीं नहीं नहीं, उसके लिए भी 12 नहीं नहीं, उसके उसका रीज़न फ़र्क था बेसिकली। मैं इंस्टाग्राम पे ज़्यादा स्क्रॉल नहीं करना चाहता, लाइक मैं ये नहीं, मैं डाइवर्ट फोकस नहीं रहना चाहता। तो वो आपके मेन पेज पर। मैं तो सीधी बात है, मैं तो कर देती हूं, मुझे कोई पसंद आता है मैं फॉलो कर देती हूं, मुझे नहीं बुरा लगता। अनफॉलो कर देती हूं? फॉलो कर देती हूं मैं। आई लव टू फॉलो, मतलब मैं बोलती हूं क्यों नहीं, व्हाई नॉट, लव टू मेक फ्रेंड्स, करो उनको, फिर मैं सपोर्ट भी करती हूं। आपने मुझे नहीं किया फॉलो? हां आपके साथ टिकटॉक भी बनाना था, वायरल तभी होगा मैं अगर आपके साथ टिकटॉक बना। वैसे आपने मेरा टिकटॉक देखे कोई? हाँ मैं आपको गाने गाते हुए बहुत बार देखा। अच्छा मेरी फॉर यू पेज पे आ रहा है। और फनी वाले कोई नहीं देखा? ये खत्म कर देते हैं, हमारी बैटरी वैसे भी मर रही है, मेरी नहीं वो। तो दैट वाज आवर पॉडकास्ट, थैंक यू सो मच, एंड हम फिर से मिलेंगे एक और पॉडकास्ट में, होपफुली विद अ न्यू गेस्ट। वरना हसनैन है मेरे साथ, एंड दैट्स ऑल। बाय बाय बाय। अच्छा रहा।